गुरुदेव की प्रार्थना के साथ आज का शुभारंभ करते हैं। पूज्य पिता भगवान कर दो जीवन का कल्याण। आओ पिता भगवान कर दो जीवन का कल्याण। तुम हो परम कृपा के सागर, तुम हो गुरु मंदिर मद नागर। तुम हो परम कृपा के सागर, तुम हो गुण मंदिर मद नागर। आओ आओ हे भगवान कर दो जीवन का कल्याण। आओ आओ हे भगवान कर दो जीवन का कल्याण। तुम हो सत्य सनातन स्वामी सबकर्ता। तुम हो सत्य सनातन स्वामी सबकर्ता। व्यापक अंतरयामी हम सब दोरे तुम्हारा ज्ञान कर दो जीवन का कल्याण। हम सब दोरे तुम्हारा ज्ञान कर दो जीवन का कल्याण। जग में बड़े बड़े दुख पाए हम बड़े बड़े दुख पाए हम सब शरण तुम्हारी आए। हम सब शरण तुम्हारी आए। हर लो दुख मान कर दो जीवन का कल्याण। हर लो दुख मान कर दो जीवन का कल्याण। हम सब बने सत्य मतदारी हम सब बने सत्यव्रत धारी। समदम शौर्य धैर्य गुणकारी समदम शौर्य धैर्य गुणकारी। हो अर्जुन विश्व समान कर दो जीवन का कल्याण। हो अर्जुन विश्व समान कर दो जीवन का कल्याण। आपका सबको ग्रुप में आ गए आप इस सदन से बोलिए। ये पीछे नहीं आया आप? नहीं 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 सभी शामिल हो गए सर। एक मिनट सर, ऐसे कैसे हो सकता है सब शामिल। एवरीबडी है सर, आगे लोग सबके आगे। एडमिन कुछ आपका ही गड़बड़ है, मैं बताऊं आपको। नहीं 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 वो महेंद्र जी कम नहीं है इस मामले में, क्योंकि सब आगे उसमें सर। रिप्लाई नहीं दे सकते आप इसमें, मैं बताता हूँ आपको। वेरी गुड, ये बिल्कुल बात है, इसीलिए कहा ना आपको। कैसे होगा मैं बताऊंगा, रिप्लाई नहीं देना सर इसमें। इसमें तो कौन बनेगा ज्ञान सम्राट की थीम पर सामने आएंगे, आप सबसे पहले सही उत्तर जो देंगे वर्कशॉप के प्रश्न का उनका सिलेक्शन होगा चार प्रतियोगियों का, और छह छह प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बाद में चांदी का सिक्का उनके भाग में लिखा जाएगा सर। ऐसा है, हो गया? तो आपके इधर इस सदन से सब आगे और हुक्म आपका बाकी है, भेजो। एक सेकंड, ये सर डिजिटल टेक्नोलॉजी का सदुपयोग है ज्ञानोदय में। अब आप ध्यान से देखना, आपको 20 सेकंड मिलेंगे, प्रश्न आएगा, चार ऑप्शन आएंगे, उसमें आपको कुछ जवाब नहीं देना है, उस ऑप्शन पे केवल उसको लिंक यानी बटन दबाना है, आपको बजर दबाना है। आपने ये कहा नहीं संसद निकाल दिया, बटन दबाओगे आप पहले, जो पहले बटन दबाएगा जो सही उत्तर आएगा वो प्रतियोगी जो अच्छे प्रश्नों के उत्तर के लिए सामने आएंगे। सर तब तक तो समय जा चुका होता है, 20 सेकंड का समय होता है।
प्रश्न आपके आ गया, आप सभी धन्यवाद दे रहे हो। और सबसे बड़ी बात, प्रश्न आ गया सर, सबको आ गया सर, ऐसा मत करो, मैं सामने बैठा हूं, ये लाइव है यहाँ, ये डायरेक्ट लाइव नहीं है, हमने जानबूझ करके इसको लाइव लिंक भी किया कि इसको बहुत अच्छे तरह से एडिटिंग करके 2000 गांवों में 40 लाख की आबादी तक ये बात पहुंचाएंगे कि ऐसी ज्ञानोदय प्रतियोगिता हमारे मुंबई में होती है। तो अब मैं 20 सेकंड पूरे हो गए, आपका नेटवर्क मजबूत करो, अभी ऐसा मत करो, मेरे ऊपर दो साल अपन मत करो, सबके पास आ गया। अब सबसे बड़ी बात कहूं मैं, एक दो तीन, एक मिनट बताता हूं मैं आपको, हो रहे ठीक है, हो गया, मैं पूरा हो गया कंप्लीट, अभी मैं बताता हूं जिन्होंने पहले दिया उत्तर वो बताता हूं मैं। आप देखिए, मैं बताऊं आपको कैसे पता लगेगा, आप कोई भी, ये जरूरी है मुझे सामने लाने के लिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मुझे देश के सामने जवाब देना होता है, कैसे पता लगेगा, आप खुद ही बोलेंगे। हाँ सर, बिल्कुल जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, 1984 सही उत्तर है, सही जवाब है। और सबसे बड़ी बात, अधिकतर माताओं बहनों और बेटियों ने जवाब दिया है, सबसे बड़ी बात यह है। और बहुत सही कहा आपने, क्योंकि आपके सामने है वो, सीमा राजपूत ने उत्तर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत अभिनंदन आपको, जरूर। हाँ, एक हो गए, आप आइएगा। देखिए ना, पहली बार मंच पर हमारे समाज की माताएं बहनें बेटियां इस तरह से आ रही है, कितनी बड़ी बात है सर। और अभी थोड़ी देर बाद में तो इनक्लेव होगा, यानी संवाद होगा। अब इनको कहा जाए कि आपको भाषण देना है तो बोले नहीं आता है, कैसे क्या है, लेकिन संवाद के रूप में वो बात करेंगे, ये सबसे बड़ी बात। आप दोनों यहां पर बैठे क्योंकि आपका एक प्रश्न का साथ में बुला रहे, आप स्वागत है, एक प्रश्न का ऑप्शन होगा, आप इनसे पूछ सकते हैं। आप वहां बैठे, वहां बैठे, बिल्कुल आप उनके साथ बैठे, वहां बुला दे दो, कर्तव्य दंडी से उनका अभिनंदन किया जाए। आप बेटा इनका परिचय दो पूरा, उनसे पूछ के या फिर बताओ, बैठो। सीमा राजपूत जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। धौलेरिया शासन में निम्बाड़ा तक पहुंच जाना, आज जैसे को मुंबई की धरती माता है, सूर्य मंदिर साक्षी में, बहुत बहुत धन्यवाद। आप उनके साथ बैठो, मुझे यहाँ बैठना है। और अब देखिए ना सर, मैं सीख रहा हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ सर, विद्यार्थी हूँ, कहीं गलती हो तो क्षमा चाहता हूँ। एक माइक आप ले लो, हेलो, ये आपके पास रखो। ये आपके सामने प्रश्नावली है, आपसे पूछ रहा हूं मैं, आप बीच में कोई नहीं बोलेंगे और तुरंत आपको बोल करके जवाब देना है। स्वास्तिक का चिन्ह, जो स्वास्तिक करते हैं घरों में, स्वास्तिक का चिन्ह किस वेद से लिया गया है? ए सामवेद, बी अर्थवेद, सी यजुर्वेद और डी ऋग्वेद। आपको ए बी सी डी में जवाब देना है, आप नहीं बताएंगे क्योंकि ऑप्शन में जाएंगे आप। और आप चाहे तो आप लाइफलाइन ले सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं, लाइफलाइन ले सकते हैं, हाथ खड़ा करके इनके ऊपर जा सकते हैं और लाइफलाइन ले सकते हैं। दो प्रश्न हम हटा देंगे और उसमें से आपको जवाब देना है। आपका शुभ समय शुरू होता है अब। उत्तर बी लॉक किया जाए, बी लॉक कर दिया है, बिल्कुल गलत जवाब। स्वास्तिक का चिन्ह का वेद जो है ऋग्वेद से लिया गया है। अगला सवाल, भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने के प्रमुख कितने मंत्र हैं? ए 7, बी 21, सी 12, डी 11। आपके पास लाइफलाइन है, ले सकते हैं, और सही उत्तर है तो बता दीजिए। आप किनसे पूछना है? इनसे पूछ सकते हैं, आप दो प्रश्न हटा सकता हूं मैं। ऑडियंस पोल करते हैं सर, आप बताइए, ए 7, बी 21, सी 12 और डी 11। आप हाथ खड़ा कीजिए ए के लिए।
ये एक के लिए इतना हाथ है, देखिए बी के लिए 21 के लिए हाथ खड़ा कीजिए, ये देखो इतने से है, और सी के लिए हाथ खड़ा कीजिए, ये देखो इतने से है, और डी 11 के लिए हाथ खड़ा कीजिए। अभी आप डिसीजन कर लो, सी ओके, सी उन्होंने किया है, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब आपका, एक आपने लाइफलाइन ले ली है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला सवाल, ब्रह्मधाम आशोत्रा में ब्रह्मा जी मंदिर की नींव कितने फीट गहरी है? ब्रह्मधाम आशोत्रा में ब्रह्मा जी मंदिर की नींव कितने फीट गहरी है? ए 21, बी 51, सी 31 और डी 41, कितने फीट है? 50. आप नहीं, ये कैंसल होगा, गलत बात नहीं, क्या बोलना चाहिए आप? गलत हो रहा है, रॉन्ग है, बताइए आप बोलिए, आप बताइए। नहीं नहीं नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आइंदा ध्यान रखना, इनको ग्रेस दे दिया गया है, ठीक है, आप बताइए। एक ऑडियंस पोल हो गया एक तरह से, है ना, वो जो पोल होना था ना, इनका लाइफ लाइन हो गया है, बिल्कुल सही जवाब 51 के पे, तो आपका बी ये हो गया आपका पूरा। अब एक केवल एक बचा आपके पास लाइफ लाइन का। अगला सवाल, भारत के कौन से शहर में सबसे पहले राजपूत समाज के भव्य तीन भवन बने थे? ए चेन्नई, बी मुंबई, सी बेंगलोर और डी सूरत। आप बीच में बोलेंगे तो फिर डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी, नहीं आपको नहीं बोलना अभी, नहीं आपकी बारी आएगी तब बताइए। आप बोले, लॉक किया जाए? बिल्कुल गलत, चेन्नई, सबसे पहले चेन्नई में तीन भवन बने, जोरदार तालियों से, फिर भी उन्होंने जवाब दिया, कितने दो सवालों के सही जवाब दिए ना, स्वागत है आपका। अगला सवाल, ऑप्शन आपके पास केवल एक ही है, दो प्रश्न सही रखने का और मिटाने का। इनमें से सबसे कठोर धातु कौन सी है? ए इस्पात यानी लोहा, बी हाँ थोड़ा ऊपर रखना आप, तांबा, सी लोहा और डी टंगस्टन। इनमें से विश्व का सबसे प्राचीन खेल कौन सा माना जाता है? क्या आंसर बता, बताइए। ऑप्शन बता दिए थे मैंने, नहीं आप बोलोगे तो ये बोलेंगे, क्या क्या दो जवाब दूं? ऑप्शन इस्पात, तांबा, लोहा, टंगस्टन, नहीं आप नहीं बोलेंगे सर, नहीं मुझे नहीं मालूम, आप बताइए। डी टंगस्टन, बिल्कुल सही जवाब, सबसे कठोर धातु है टंगस्टन। और अंतिम सवाल, आपने तीन प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं, इनमें से विश्व का सबसे प्राचीन खेल कौन सा माना जाता है? ए कुश्ती, बी कबड्डी, सी फुटबॉल और डी खो खो। आप मत बोलिए, मेरे आपकी बारी आएगी, स्टूडियो में बुलाए जाएंगे आपको। विश्व की बात कर रहा हूं, आप डिसाइड कीजिए। हाँ कीजिए, लाइए मिटाता हूं मैं, ये मिटाया, ये मिटाया, बताइए आप दोनों में से। हाँ बताइए फिर, दो ऑप्शन है आपके सामने, कबड्डी, आप क्या कीजिए? कबड्डी, बिल्कुल गलत जवाब, सबसे प्राचीन खेल कुश्ती है, विश्व का सबसे प्राचीन खेल। लेकिन फिर भी आपने तीन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, निश्चित रूप से आप एक महिला सदन होने के नाते भले तीन दिए हो आपने, 50% किया हो, लेकिन आगे थोड़ी देर के बाद में आपको चांदी का सिक्का मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार कटल से आपको नारे वहां पर। सभी जो बहनें यहाँ आई हैं, तो मैं एक मेरे लाइफ का एक इंसिडेंट बोलना चाहूंगा, थोड़ा सुनिएगा शायद आपको अच्छा लगेगा। आज से 25 साल पहले मेरी मुझे 10th में 85% कुछ आए थे, तो परिवार बहुत खुश हुआ था और सब लोग ने मुझे पढ़ाई के लिए बहुत प्रोत्साहन दिया,
ईश्वर की कृपा से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन गया, रैंक भी आया। मुझसे बड़ी मेरी बहन थी, उसको भी 81% आए थे। वो अपने सिरोही जिले की शायद फर्स्ट ग्रेजुएट है, परंतु उनको उस समय परिस्थिति समाज की ऐसी थी, उसको कॉलेज जाने के लिए भी परिवार की तरफ से सोच था कि कॉलेज में भेजना है या नहीं भेजना है। मेरे पिताजी ने उसको सिर्फ इतना बोला था, बेटी मैं तुझे पहला कॉलेज में भेज रहा हूं, मेरी इज्जत रखना। और उसने इज्जत रखी और वो फर्स्ट ग्रेजुएट बनी सिरोही की। आज अगर उसको सीए बनने का मौका मिलता मेरी तरह, तो मैं दावे के साथ बोलता हूं कि वो अपने सिरोही डिस्ट्रिक्ट की पहली चार्टर्ड अकाउंटेंट होती, पक्की बात है। अब मैं निवेदन करता हूं, महाभारत के अर्जुन के रथ का क्या नाम था? ए पांचजन्य, बी जत्र, सी गरुड़ध्वज और डी नंदीघोष। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। लेकिन सुन लेना, आपके पास 3 लाइफलाइन है, आप पोल भी ले सकते हैं, आप 2 मीटर वाले भी सकते हैं, और आप किसी को पूछ सकते हैं कि फलान जी मुझे सही उत्तर देंगे। और गलती से किसी ने उत्तर दे दिया और वो गलत हो गया, सही हो गया, मुझे नहीं मतलब, इसीलिए वो ऑप्शन में गिना जाएगा। इसलिए शुरुआत है, बताइए। 4 में से 1 सिलेक्ट करना है, राइट? जी, मैं इसमें ऑडियंस पोल में पर्टिकुलरली दिलीप भाई को पूछ सकता हूँ? नहीं, ऑडियंस पोल नहीं होगी, 1-to-1 हुआ। 1-to-1 ना? या मैं दिलीप भाई को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका जवाब दे सकते हैं आप? नहीं दे सकते, नहीं, आपने अनाउंस कर दिया। हाँ यस सर, आप वहीं से खड़े हो जाइए। दिलीप जी, नंदीघोष, पक्की बात है? पक्का? लॉक कर दिया है? बिल्कुल, बहुत बहुत अभिनंदन आपका, आपने आपके मित्र को जिता दिया, नंदी घोष। दिलीप है, दिलीप भाई हमारे समाज के बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है, इसके लिए मैंने नहीं, लेकिन अब ज्ञानी व्यक्ति का पहला उपयोग आपने कर लिया है। हाँ, ध्यान रखना, अब ध्यानी रख करके काम करना है, नहीं तो एक प्रश्न राज साहब से भी पूछ सकते हैं आप। अगला सवाल, ब्रह्म वेदोक्त पुराण के अनुसार शिव को सूर्य देव से किसकी वजह से युद्ध करना पड़ा? पुनः एक बार बोलता हूं, सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर में विराजमान है, हम उनकी साक्षी में। ब्रह्मलोक पुराण के अनुसार शिव को सूर्य देव से किसकी वजह से युद्ध करना पड़ा? ए राजा बलि, बी माली और सुमाली, सी हनुमान जी और डी भास्करण। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू। बी माली और सुमाली, पक्की बात है? दे दो, लॉक कर दो। ये आपको कौन बताता है? यहां से कोई सामने से इशारा करता है क्या? बिल्कुल सही जवाब, जोरदार करतल धनी से उनका अभिनंदन किया जाए, मैं भी तो सीख रहा हूं। एक मिनट, एक इसके बाद गलती से आ रही आ गया, लेकिन चलेगा भी। अब 2 प्रश्न तो धार्मिक हो गए, 2 प्रश्न सामाजिक आ रहे हैं आपके सामने। गुरुदेव श्री आत्मानंद जी महाराज का सिरोड़ी में चतुर्मास कौन से सन में हुआ था? ए 2005, बी 2001, सी 2002 और डी 1999। ये मैं पूछ सकता हूं? ये ऑडियंस पोल होगी, ऑडियंस पोल होगी सर। सुनो, नहीं ऐसा नहीं, ऑडियंस पोल होगी जिसमें हाथ खड़े करेंगे वो। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है आपका, ऐसे हाथ खड़े करेंगे वो। नहीं, चारों ऑप्शन दूंगा मैं, आपको डिसीजन करना है कि कौन सा देना है करके। लेकिन एक निवेदन यह है कि आपके परिवार का सदस्य हाथ खड़ा नहीं करेगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने इशारा कर लिया, मैं समझ गया, क्योंकि शुद्ध प्रतियोगिता है, आनंद की अनुभूति है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, 2005 मानने वाले कितने हाथ खड़े हो रहे हैं? 1। 2001 मानने वाले कितने हाथ खड़े हो रहे हैं? 1। 2002 गुरुदेव श्री आत्मानंद जी महाराज का सिरोही में चतुर्मास कौन से सन में हुआ? 2002 में मानने वाले कितने हाथ खड़े हो रहे हैं? वाह, 1, 2, 3, 4, क्या बात है। और बी 1999 कितने हाथ खड़े हो रहे हैं? 1 या 2। अब आप सी 2002 आपने ऑडियंस पोल में गए और आपको लगा कि ये सही है, लॉक किया जाए। अरे क्या बात है, आपके ही परिवार के माध्यम से वो कार्यक्रम सिरोही में प्रेमराजी पोषिंतरा परिवार की तरफ से हुआ था, वो ऐतिहासिक चतुर्मास था और वो 2001 में हुआ था, इसलिए आपका उत्तर गलत हो गया। कौन सा साल था? चलिए 2001 में हुआ था ये, और जिसका मैं गवाक्ष हूं, वा था मैं,
चलिए अगला प्रश्न। ब्रह्मलीन श्री खेताराम जी महाराज का पैतृक गांव कौन सा है? ए खेड़ा, बी आसोत्रा, सी सराणा। गलत बात नहीं, ये प्रश्न आउट हो गया, नहीं देंगे हम, नहीं देंगे। दूसरा प्रश्न है मेरे पास में, और इंद्राणा, इसीलिए उन्होंने कह दिया। आपके सामने एक ऑप्शन बाकी है, यानी एक आप दो प्रश्नों को मिटा सकते हो, दो और वो सही रहेगा। 50-50 किया, लेकिन अब हमने डी इंद्राणा हटा दिया है और बी आसोत्रा हटा दिया है, खेड़ा और सराणा, सी सराणा। पता ही दोटाज दौट ने बोलियो जना। बहुत बहुत धन्यवाद, सही उत्तर आपका। और अब आपके सामने दो जनरल नॉलेज के प्रश्न आ रहे हैं। आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए मालूम आपको? तीन ना, बहुत कैलकुलेशन रखे हैं लोग, ध्यान दे जो मनी पकड़ लेला उल्टो सीधे भी हो तो। चलिए, साइकिल के आविष्कारक कौन थे? साइकिल तो चला ही होगी आपने। माइकल फेराडे, एडवर्ड बटलर, किर्क पैट्रिक मैकलिन और एल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टाइन तो नहीं है, ठीक है, बटलर, इस अभी कोई ऑप्शन नहीं बचे ना, मतलब आपके पास तो कोई अभी लाइफलाइन बची नहीं है। मैकमिलन, सी किर्क पैट्रिक मैकमिलन, लॉक कर दूं? आप बोले तो। यस सर, लॉक कर दिया जाए। सही जवाब इनका, बहुत और कतलदानी से अभिनंदन किया जाए। चार्टेड अकाउंटेंट ने कॉपी करके सीए नहीं बना। अभी एक अंतिम सवाल, चांदी का सिक्का तो इनके हिस्से में आ गया क्योंकि चार प्रश्नों के उत्तर दे दिए। अब अंतिम सवाल आपके पास, ए जी, ए ए फॉर अमेरिका, जी फॉर गुड। ए जी किसका सूत्र है? पीतल, ए बी सोना, सी चांदी और डी पारा। सॉरी, मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूं तो थोड़ा हिंदी कंपैरेटिवली कमजोर होता है। ए जी यानी व्हाट डू यू मीन बाय ए जी? ए जी एक सूत्र होता है, यानी टेक्निकल किसी भी पदार्थ का, किसी भी मेटल का एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है, उसको ए जी में लिखा जाता है। जैसे बहुत सारे अलग अलग जो है मेटल जितने भी होते हैं उनको जो है फॉर्मूला दिया गया है, तो ए जी फॉर्मूला किसका है? पीतल का है, सोने का है, चांदी का है या पारे का है? ए बी सी डी। डिस्क्वालिफाइड कर लूंगा मैं चांदी रुचि को, थोड़ा दिलाऊंगा। हाँ, जेब में उखाड़ देना है। बताओ आप, फंसोगे आप, क्यों फंसा रहे हो उनको? स्वागत है, बताइए। सेल्सियस तो नहीं है ना? एजी इज नॉट सेल्सियस। पारा इज मर्क्यूरी, चांदी सिल्वर पीतल। चांदी का कोई व्यापारी बैठा है चांदी चांदी कर रहा है इसके लिए। 50-50 करेंगे, देखना बाहर जाते बोले आधा मुझे दे दो। अच्छा, पारा। पारा गलत जवाब, इन्होंने सही जवाब दिया था चांदी। चांदी ए जी का सूत्र चांदी है। और निश्चित रूप से आपने चार सवालों के जवाब दे दिए, इसलिए आपको थोड़ी देर के बाद में राज साहब के हाथों से सम्मानित करेंगे। और बस एक सर भोजन करके जाएंगे हम सब। आपके चार प्रश्नों के अगर सही ऑप्शन मालूम है, चार प्रश्नों के सही उत्तर दिए तो चांदी का सिक्का आपको मिलेगा। सूर्य देव के पिता का क्या नाम है? ए ऋषि कौनांग, बी ऋषि अत्रि, सी ऋषि कश्यप और डी ऋषि भारद्वाज। हाथ जोर से निवेदन है कि कोई मत बोले, क्यों कि हमारी प्रतियोगिता के नियम रूल्स फॉल हो जाते हैं। और मैं जिस स्टेज पे जा रहा हूं आपके माध्यम से जाऊंगा। स्वागत है आपका। ए ऋषि कौनांग। ऋषि कौनांग लॉक कर दिएगा? दो बार तालियों से। ये गलत जवाब है, ऋषि कश्यप है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल। महाभारत ग्रंथ में कुल कितने पर्व हैं? खोल दीजिए आप। महाभारत ग्रंथ में कुल कितने पर्व हैं? देखिए, आपकी भी बारी आएगी ना, हम स्टूडियो में बुलाएंगे। कौन बनेगा ज्ञान सम्राट? जो मैंने कहा ना, एसएस न्यूज नेशनल लाइव पे आता है, 1.5 लाख लोग देखते हैं, मेरे समाज के भी 1.5 लाख लोग होंगे, 3 लाख होंगे, हम करोड़ों में जाना चाहते हैं। इसके लिए आज ये केवल प्रैक्टिस है। नहीं 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 नहीं, आपका सिक्का इनके खाते में चला जाएगा, ध्यान रखना। हाँ, महाभारत ग्रंथ में कुल कितने पर्व हैं? तो अभी एक सबको पता है ना, तो आपका ऑडियंस पोल समाप्त हो चुका है, ध्यान रखना।
अब दो ऑप्शन ही रहेंगे, अब उसके बाद भी बोले तो आपका सिक्का जब्त हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, गुरुदेव श्री आत्मानंद जी महाराज को युग पुरुष का गौरव कब प्रदान हुआ? ए 10 नवंबर 2003, बी 10 सितंबर 2004, सी 26 अक्टूबर 2004 और डी 10 अक्टूबर 2004। आपको बताना है, आपके पास दो लाइफलाइन है, दो मिटा भी सकते हैं और किसी सिंगल व्यक्ति को पूछ सकते हैं। ऑडियंस पोल तो हो गया, सुष्मिता से पूछूंगा। नहीं ये नहीं हो सकता, यहाँ पे हमारे साथ है, मुझे हमारे साथ कॉन्फ्रेंस में बैठी है वो, नहीं ये आप, इसने कहा अंकल जी आप ही सवाल करें, नहीं तो ये करने वाली थी। डी है 10 सितंबर 2004। दस लॉक कर दें, 10 सितंबर 2004। राजी आप गवाक्ष थे, आपको डेट नहीं मालूम तो मैं सबके सामने बता दूं, मुंबई की धरती पर पाटकर हॉल में 700 की सिटिंग कैपेसिटी थी, 2000 से लोग अधिक आए थे और गुरुदेव को युग पुरुष का गौरव शुभ समय और हमारे समाज बंधुओं ने मिलकर के किया था और वो तारीख थी 10 अक्टूबर 2004। इसलिए आपका सवाल गलत, ये हमारे समय युग पुरुषों की जानकारी होनी चाहिए और युग पुरुष का खिताब तो चांदी का इतना बड़ा रथ था और ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था, दूर दूर से लोग आए थे, इसलिए जानकारी होनी चाहिए सर। चलिए अगला सवाल, राज पुरोहित क्या है? कोई नहीं बताएगा सर, राज पुरोहित क्या है? पद है, जाति है, गोत्र है या ये सभी है? आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू। तो सिंगल हो गया ना आपका, वो भी ऑप्शन चला गया। चलिए सही उत्तर आपका, बहुत जोरदार कत्तल धनी से अभिनंदन किया जाए। कई लोगों को जानकारी नहीं है कि हम कौन है, बोले राजपुरोहित जाति है, जाति नहीं है सर, जाति तो हमारी 120 125 चाहे 7 है वो है और ये पद है। बहुत सही जवाब आपका, क्या बात करते हो आप, अगले कॉन्टेक्ट में आपको लेना पड़ेगा मुझे। और अभी आपके पास एक ऑप्शन बचा है लाइफ लाइन, वो दो दो 50-50 वाला। अगला सवाल आपका जनरल नॉलेज, अब साफ क्षमा चाहता हूं प्लीज। बगर पूछे अक्कल दाद, अब बताओ अक्कल दाद कौन सी उम्र में आती है? देखा हंस हो गया, अक्कल दाद कौन सी उम्र में आती है? 8 से 12, बी 12 से 16, सी 17 से 25 और डी 30 के बाद। नहीं 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 अभी ठहरिए, उसके बाद पुनः एक बात बोलता हूं, अक्कल दाद कौन सी उम्र में आती है? ए 8 से 12, बी 12 से 16 और सी 17 से 25 और डी 30 के बाद। जल्दी उत्तर दीजिए सर आप। 17 से 25 सी। किसने इशारा किया था? नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और मेरे ख्याल से प्रश्न पूरे हुए कि एक बाकी है? ये तो अक्कल ठोकर खाते बूटे जा रहा एक सवाल और बाकी रह गया। आपने कितने 4 प्रश्नों के उत्तर सही दिए, चांदी रसी को अकाउंट में गिरो साहब, यूं मत करो, मैं तो कोशिश करूं, ठीक है। चलो लास्ट में मिस्र, जनरल नॉलेज साहब, मिस्र की सभ्यता निम्नलिखित में से किस नदी के आसपास विकसित हुई? ए मिसिसिपी मिसौरी, बी नील नदी, सी गंगा नदी और डी सिंधु नदी। आपका सारे ऑप्शन, हाँ बाकी है तो बता दो, चलो कोई थी ऑप्शन निकालना है, दो निकालते हैं। चलिए हमने निकाल दिया एक तो मिसिसिपी मिसौरी और एक गंगा नदी, अब बी और डी आपके सामने बच्चे बताइए। सिंधु नदी। सिंधु नदी लॉक किया जाए? नील 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 नदी लॉक कर दिया जाए। ये खोटी बात, ओ रुकटी नहीं गाड़ी जा रहा, रुकटी है नील नदी। बिल्कुल सही जवाब है, सिंधु नदी नील नदी। फिर भी आपने 4 प्रश्नों के उत्तर दे दिए थे, इसलिए एक कॉन्सेप्ट बाकी रहा सर केवल, और आपको चांदी का सिक्का अवश्य मिलेगा। श्री आत्मानंद सरस्वती जी गौरव पुरस्कार जो श्रीमान प्रताप जी उकाजी जैतपुरा है, वो संस्थापक के समृद्धि फाउंडेशन के, आज किसी कारणवश हॉस्पिटल में उनके परिवार का ये नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने जो काम किया है शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया है, इसलिए आइए आप आइए। और मैं अजयराज जी परिवार से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर पधारे पूरा, और ये सब अजयराज जी का दे दो आप। हाँ
सर इन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया, गुरुदेव का वीडियो फोटो लीजिए। अधीर जी राजी आप लेकर के राजी से ले आ दीजिए। ये सभी भाइयों पर अब आपसे निवेदन करूंगा राजी आप ये नहीं आपको दे रहा हूं मैं, ये प्रथम सिक्का आप विमोचन भी करेंगे और ये आपको समर्पित हो रहा है गुरुदेव। ये प्रिंट है चांदी के सिक्के पे शुद्ध 999 का पूरा और पूरे। हाँ आप अब आप उसको सिक्के को आप लोकार्पण कीजिए, गुरुदेव का सिक्का लोकार्पण हो रहा है। हुकम हुकम नहीं ठीक है सर, ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप रोहतो मोटो स्नेह आपने पिताजी को मारे माता माता आप तो जनता में पढ़ता हूँ बंटा हुकम ठाकुरला पदार्था जन इलेक्शन आते और मैं बहुत बहुत आप अभिनंदन करूँ कि व्यस्त वो आप रे वास्ते हुकम। परम पूज्य श्री आत्मानंद सरस्वती जी जन्म शताब्दी समारोह रमाई ने आज अटे उपस्थित बिशन सिंह जी अब पैरी बात नहीं ऐसा पर घोड़ो घासू यारी करेला तो खावेला कही ले बेटा लियो सुगंधा गिनने ले लो मारा 11 से राजपुर जी 11000 देने वाला है। मैंने फंसा दियो आखिर बोला आदरणीय राजपुरोहित साहब हर समय उत्साह मायने रहे पर आज तो इससे ऐडो उत्साह जाने कोई घर मायने शादी है ऐडा बिशन सिंह जी बाटी क्रांतिवीर बिशन सिंह जी साहब प्रताप सिंह जी पूरे तरह परिवार लोग अच्छा राम जी रे परिवार लोग कर्म भी पुरस्कार बार मानो सम्मान नहीं हो और बड़ी संख्या में उपस्थित अटे भाइयों बहनों मैं बिशन सिंह जी रही ने कोशिश रे वास्ते बॉम्बे रे मायने प्रोग्राम करना आसान नहीं है और आ कल्पना करने के जिका 100 साल पहली जिका समाज मायने शिक्षा रे मायने इतो काम करियो वाणे नामो बॉम्बे रे जेड़ा शहर मायने आने कार्यक्रम करने की कोशिश करनो अब थोड़ो आपने संबंध पड़ेला के कितनी तकलीफ उठाई वेला 15 दिन पहले मारे कन आया ने राजपुर जी कने गया कि भाई मेरे प्रोग्राम करियो मैं आपने आवनो है अब कट्टे कट्टे गया कई कई करियो यो आसान नहीं है इन्हें छपावनो तैयार करना डिजाइन तैयार करना और आप इतना लोग भाईसेन आया बहन बेटियां भी आई सवार बहुत बहुत धन्यवाद। पर मारो यही कहना है साहब के समाज में जी को अच्छो काम करे वाने बहुत उत्साह बढ़ावनो चीज है, यदि आप नहीं उत्साह बढ़ावाला तो लोग काम करना ही बंद कर देला। इन वास्ते इन सिक्का कॉस्ट है 1100 रुपये दिया पर इन प्रोग्राम रे वास्ते माइत्र प्रभु आप 11000 रुपये और स्वीकार करो, मैं आपने 11000 रुपये काले तक भिजवा दूंगा। महिला शक्ति बहुत जबरदस्त आप उत्साह बढ़ाया था। नहीं नहीं आप बहुत अच्छी आप सोच भी बहुत अच्छी है कि बच्ची अरे बड़े रे महीनों काम आवेला पर वो काम तरह आवेला कि आपकी भावना तो मोदी जी ने मन में जो 400 वोट लाऊनी 400 सीटें लाऊनी उतनी बड़ी भावना है आपकी पर 400 माते पूगला के 270 माते नहीं पूग सकाला अबे यान माते है ने मारे माते है आपलो मेलो राजपुरु जी मेलो कैडी मदद करा यान बहुत पवित्र भावना है और जिको नाम लिखियो है श्री आत्माराम जी सरस्वती रे यादरा माई ने बहुत मने बहुत ज्यादा तो वाने बारे में मैं नहीं मालूम है पर मैं राजपुरु जी भी नाम सुनियो आपू भी नाम सुनियो बहुत पवित्र आत्मा ही और वाने याद करनो देखो एडो के दुनिया रे माई ने दी हाँ भलाईरो तारीफ करनी बंद उजाला तो लोगों ने रोड में चलना भारी पड़ जाला। जब तक भगवान ने मन में राम है लोगों ने मन में राम है जब तक यह दुनिया चल रही है और इन वास्ते आप यहाँ बहुत सहयोग करो मैं भी यहाँ बहुत सहयोग करूँगा। विद्या विहार में मैंने राजपुर जी का ITI है उन्होंने नाम आपा महाराणा प्रताप जी ने नाम करनो तय करियो और सुखद आश्चर्य है कि वो नाम रो नामकरण रो पट रो अनावरण करने वास्ते अपने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब खुद आ रही है परसों अटे। अबे ज्यादा तो मैं बात नहीं करूंगा पर मने वो लागे कि इन प्रोग्राम ने किकर बिशन सिंह जी आगे किकर बढ़ाओ आप सोच तो अच्छी करियो आगे बढ़ाओ तो की करना आप अबे हाँ आप बहुत अच्छी बात पूछी हुकुम। अखिल भारतीय राजपुरोहित नारी शक्ति रो अतुट नेटवर्क मजबूत है पूरा गांव गांव में और जिला वाइज जो है संयोजिकाओं बनी हुई है शहर वाइज संयोजिकाओं बन रही है और वो नेटवर्क के माध्यम जो है ऑनलाइन पेमेंट आईला
ऑफिशियली टोटल कॉम में जीएसटी बेस कॉम में पूरा कंप्लीट और उन्होंने होम डिलीवरी वो कैलकुलेशन करा हुकम के कतरो बना दे होम डिलीवरी रो और कतरो बाहर चाव कर दे आज तो आप मैंने केवा दियो के कोई की करे आज सामना देखो संध्या काल यानी गोधुली बेला में घंटी भी बाज रही है सूर्य ने भगवान की साक्षी में कॉम शुरू किया और हुकम तो आगे बढ़ी मैं वास्ते ले लें तो वह चीज जो है और वो नेटवर्क ने माध्यम पूरा देश में मारे ने राजपुर जी रो कटी आपने कोई लेटर चाहिए फोन लागे मैसेज लागे और कोई कुछ करना हो तो जरूर माना बताइए माने बहुत आनंद वाला अच्छा काम रमाई ने मैं करी जुड़ सका और मैं पुनः एक बार मनु आप रो बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँ आप इतना इतनी हिम्मत करी हो इतना उत्साह आप मन रमाई ने आज आप ऐडा मान लो जान कोई बबलिंग कोई आप इतना एकदम आकाश रमाई ने चाल रही हो इतना हाई स्पीड रमाइने हो और उत्साह आप कायम रहला और आप टारगेट पूरा वेला एडी में आत्मानंद सरस्वती मारे साथ चढ़ना में भी प्रार्थना करूँ और सबारे भाई ने क्रांति है क्रांति हाँ इनके नाम में भी क्रांति रिवोल्यूशन है सर आप बिराजो बहुत बहुत आभार मंगल जी को हमेशा ठेठ उसने दियो है और कर्तव्य दनी से अभिनंदन किया जाए ये समाज की बेटी है वो चाहती है कि मंच पर आए और हमारी बात को वो अपनी बात को शेयर करे अगर उनको कहा जाए कि आप आओ मंच पर भाषण दो तो नहीं आएगी वो क्या बोलना है कैसे बोलना है समझ में नहीं आता है लेकिन जब आज आपने मैंने पहली बार आपको देखा है नई बातें आपसे बुलवाई है ऐसा मुझे ये नहीं है लेकिन आपने नई बातें समाज के समक्ष रखी है इसीलिए निवेदन है स्वागत हुआ आपका माइक चालू है आपका देखें आपका भी चालू है अब चौथा माइक लाइए आप एक एक करके आप यहां से शुरू कीजिए मुझे तो प्रैक्टिस है प्रैक्टिकल जब चैनल का एडिटर इन चीफ हूँ तो बहुत सारे शो मैं करता हूँ ऐसे लेकिन मेरे समाज के शो को होस्ट करने का मुझे एक अवसर मिला है तो मैं ये अवसर का अभिनंदन इन बेटियों और बहनों को देना चाहता हूँ आप सबको देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर मंच पे इस तरह से बोल सकता हूँ तो आप अपना परिचय दें पहले नमस्कार मेरा नाम चंद्रिका राजपुरोहित है मैंने अपना MBBS अभी सितंबर में फिनिश किया है GMC नागपुर से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से तो आभार व्यक्त करना चाहूँगी समाज के प्रति जो उन्होंने हमें ये अवसर दिया है यहाँ पे नारी शक्ति शिक्षा और संस्कार की भूमिका पर बात करने के लिए नहीं बहुत क्लियर हूँ मैं एहसान आपका समाज को है कि आप यहाँ पर पधारी और अपनी बात कह रही है थैंक यू सर मैं बताऊँ आपको आपको धन्यवाद हम देते हैं अब आपसे ही शुरू करता हूं मैं नारी शक्ति की समाज में भूमिका जैसे ये तो सच्चा विषय हो गया और मैं क्लू देता हूं भूमिका वर्तमान कालखंड में अपने परिवार के प्रति बच्चों के प्रति और ये तो होता ही है समाज के प्रति बात करता हूं कि किस तरह से होनी चाहिए ताकि ये पीढ़ी और पूरा देश आपकी बात को जाने करके बताइए नमस्कार मुझे ऐसा लगता है शिक्षा संस्कार नारी की भूमिका समाज में ये सब जुड़े हुए हैं तो नारी शक्ति ये सब अलग अलग नहीं है तो अगर एजुकेशन की बात करें तो सबको इक्वल अधिकार होना चाहिए वो कैसे भी फैम बच्चे जो भी है लड़के लड़कियाँ कैसे भी फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं कोई भी उनका कैसा हिस्ट्री रहा है लेकिन सबको शिक्षा का अधिकार है ऐसा होता नहीं है बेटा आप जो कह रही हो ना हम वर्बली कहते हैं मैं बेसमझ रहा हूँ मैं बताऊँ आपको ऐसा होता इसलिए नहीं है कि एक परिवार में एक लड़का और लड़की है प्रैक्टिकल बता रहा हूँ माँ बाप क्या सोचते हैं बताऊँ आपको मैं लड़की को अगर मैंने डॉक्टर कर दिया आपके माँ बाप की तरह नहीं होता है लड़की को मैंने डॉक्टर बना दिया तो आखिर पढ़ाई घर जाएगी और लड़के को डॉक्टर बना दिया तो जिंदगी भर मुझे रोजी रोटी देगा मुझे मेरी सेवा करेगा लेकिन सच ये है कि कलयुग का उल्टा प्रभाव है जितनी बेटियां समाज के लिए और अपने परिवार के लिए काम करती है बेफल नहीं करता है नहीं करता है इसीलिए उस सोच को कैसे बदला जाए आपने कहा इक्वलिटी बेटा बेटी एक समान कहने को तो बड़ा आनंद आता है एक माँ बाप के पास राशि साहब
मैंने प्रैक्टिकल बता रहा हूं, इसीलिए मुझे आंखें भरती है कि क्योंकि समाजों को परिवारों को जाना है। मैंने एक परिवार में एक लड़का एक लड़की है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक ठीक है, अब वो डिसीजन नहीं ले पाता लड़के को हायर एजुकेशन कराऊं कि लड़की को कराऊं, तो पहले क्या तवज्जो देता है बेटा वो? लड़के को देता है। हाँ, आई ना बात सामने, प्रैक्टिकल कहीं ना कहीं होता है ना, लड़के को क्यों नहीं? ये आपसे प्रश्न है कि लड़की को भी ऐसा अवसर मिलना चाहिए, यह समाज को आप किस तरह से संदेश देगी? जिस घर में अगर मेल डोमिनेंट है, अगर आदमी कमा रहा है तो उसमें मे बी स्टॉक मार्केट के महीने में उछाल ज़्यादा होगा तो वो घर में पैसा बहुत होगा, लेकिन जहाँ पे नारी सशक्त होगी वहाँ पे लोग ज़्यादा मुस्कुराएंगे, ज़्यादा खुश रहेंगे और जीवन में हम सब वही चाहते हैं। तो इसमें दोनों का फायदा है, नारी सशक्त होने में आदमियों का भी फायदा है, ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को पढ़ाओ ऐसा नहीं है, इसमें दोनों का फायदा है। बिकॉज जो औरतें जो मल्टीटास्कर होती है वो जो कर पाती है, वो ये देखा गया है कि औरतें मल्टी ज़्यादा काम कर पाती है पुरुष से, ये सच बात है, ये ऐसा नहीं है कि किसी को बढ़ाने के लिए हम बोल रहे हैं। औरतें अगर पढ़ेंगी तो पूरा परिवार पढ़ता है उनके साथ, नेक्स्ट जनरेशन पढ़ता है, वो अपने बच्चों का भी ख्याल रखेंगी, वो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो भी देखेंगी, उनका हस्बैंड कैसे का उनका हस्बैंड काम पे जा रहा है वो भी देखेंगी। तो नारी को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए शायद हमारा समाज थोड़ा पीछे है क्योंकि लड़कियों को उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। नहीं, आपने देखा पीछे तो नहीं है लेकिन वैचारिक क्रांति नहीं हो पा रही है शिक्षा के क्षेत्र में। वैचारिक क्रांति सही कहा आपने, शिक्षा के क्षेत्र में जो थोड़ा पीछे है क्योंकि नारी सशक्त नहीं है, बहुत टैलेंट है, सशक्तिकरण की जरूरत है। अब आप दोनों बहने पास में बैठी है, इनसे आप बताइए, अब दोनों डॉक्टर है, कहीं ना कहीं उनका सबसे बड़ी बात आप मुंबई में है स्टूडेंट है, तो ये बताइए बेटा अभी आप बोलिए ना, आज पहली बार मंच बुला खुल करके बोलिए आप। हमारे घर में जब हम बड़े हो रहे थे तो हमेशा से ही हमने देखा है कि लड़कियों को ज्यादा इम्पोर्टेंस मिला है। हम तीन बहन है और एक भाई है, मेरा भाई पापा का ही बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है, मेरी दीदी आ रही है UPSC की, उन्होंने पढ़ाई की है, कोचिंग ली है और हम दोनों मेडिकल फील्ड में आ गए। तो बचपन से हमारी पढ़ाई रुचि में थी, तो इसलिए मम्मी पापा का भी सपोर्ट था, सबका सपोर्ट था, एंड बाय गॉड्स ग्रेस आगे आगे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती गई और हम सक्सेसफुल होते गए। तो ये बात तो मैं छोटे वाले से पूछना चाह रहा था, आपने पहले बता दिया मन की बात, कोई बात नहीं। अब दूसरा प्रश्न आपके लिए, आपने कहा विषयांतर ही होगा, इसी विषय पे आपको नहीं बोलना है, आप बहुत बड़ी बात, आपको डॉक्टरी के फील्ड में आने के लिए कहीं ना कहीं तो माता पिता ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस या कहीं ना कहीं आगे पीछे किया होगा या बोला होगा कि पढ़ पाऊंगी नहीं पढ़ पाऊंगी, या फिर उससे पहले विचार किया होगा कि इसको किस फील्ड में देना है, कहीं ना कहीं आपको संघर्ष करना पड़ा? नहीं करना पड़ा, आप सौभाग्यशाली है, जोरदार कर्तव्य धनी से अभिनंदन किया जाए। मैं समझता हूँ ऐसे माँ बाप सबको मिलने चाहिए, यह सबसे बड़ा मोटिवेशन है। आप बताइए अपने मन की बात। मतलब घर में पहले पूरा परिचय दे दीजिए ताकि रिकॉर्ड हो रहा है। मेरा नाम खुशबू राजपुरोहित है, मैं फाइनल ईयर MBBS कर रही हूँ KEM हॉस्पिटल परेल से। मतलब मेरे से ये 2 साल बड़ी मेरी बहन है, तो मुझे पहले से ही गाइडेंस मिल चुकी थी कि मैं डॉक्टर वाले फील्ड में कैसे जाऊँ, तो मेरे जो बड़े भाई बहन हैं उनसे मुझे काफ़ी गाइडेंस मिला है। और पेरेंट्स से कभी मतलब उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है, उन्होंने कभी ऐसा भी दबाव भी नहीं बनाया कि आपको यही करना है, आपको जो करना है वो करो, बट हम आपको सपोर्ट करेंगे हर कार्य में, वो एज अ मतलब बैक सपोर्ट देके वो हमेशा हमारे लिए खड़े थे। एक शब्द पकड़ा मैंने, आप भी पकड़ लो, जो करना है वो अच्छा काम करो, ऐसे माँ बाप को धन्यवाद देता हूँ। जो करना है आपने जो करना है वो अच्छा किया, और आपके सामने आपके साथ एक ऐसी जर्नलिस्ट बैठी है, आपका परिचय है? परिचय तो मुझे मालूम लेकिन ऑन द रिकॉर्ड परिचय है, फिर आपसे एक प्रश्न है। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, मेरा नाम सुष्मिता शैतान सिंह राजपूत, गांव बुनाड़िया। बाय प्रोफेशन मैं प्रोफेसर हूँ, मास्टर्स इन जर्नलिज्म कम्युनिकेशन, मास्टर्स इन साइकोलॉजी।
लोगों को समझना, लोगों की बात, इस चीज़ को मैंने सीख भी लिया है और प्रैक्टिकल भी कर रही हूँ। और शायद इसीलिए इतने बड़े समाज के स्टेज पे आज आपके सामने बैठ के मैं खुद एक पैनलिस्ट बन के आपके सामने यहाँ बैठी हुई हूँ। यही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हमारा समाज मातृशक्ति को कितना बढ़ावा दे रहा है। तो इस समाज के लिए सबसे पहले बहुत बहुत तालियां। और माँ बाप का जिस तरह से आपको जो सपोर्ट है, जोरदार करतल देने से अभिनंदन करूंगा, क्योंकि जब माता पिता का अच्छा अभिनंदन इसलिए होता है कि उनका सपोर्ट रहता है कि हाँ बेटा जितना अच्छा हो सकता है समाज में, देश में शुभता कैसे हो सकती है करो, और इसी संस्कारों से पुष्पित और पल्लवित होकर के आप आगे बढ़ती है। इनके पिताजी दादाजी के साथ उस कालखंड में कुंडल के जब ब्रह्मधाम आसोत्रा का पहला इंडा चढ़ा था, उस परिवार से आती है वो पियर पक्ष है, और थावला में आप ससुराल है। देखिए ना, तो मैं इस चीज को समझता हूं कि संस्कार, आपको बोलने से पहले आप माइक दीजिए, आपने पहले पूछा ना संस्कार कहां मिलता है, मैं बताऊं संस्कार कहां मिलता है, आप खरीदना चाहो तो, तर्क वितर्क को तर्क नहीं है साहब, संस्कार आकार होता है। यदि हमारे में शिक्षा है, ज्ञान है, और उस ज्ञान का अगर हमने आकार ले लिया, मारवाड़ में कहावत है 12 बुद्धि ने 20 अक्ल, ये सुना आपने ना, 20 अक्ल का मतलब होता है बुद्धि आई हमारे पास में, तो उस बुद्धि का उपयोग कैसे करना है वो विवेकानंद कहलाता है, जिसको आकार बोलते हैं। साहब अगर जीवन में आकार है ना, संस्कार है ना, तो स्पष्ट दिखाई देता है। अगर आकार विषय अगर संस्कार नहीं है ना, तो सार सांप भी रस्सी दिखाई देती है, रस्सी भी सांप दिखाई देता है। तो इस शक्ति का स्वरूप मैं, नेहा जी बहुत एक्टिव है और संगठनात्मक व्यक्तित्व की धनी बहन है ये। मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा, शिक्षा के बारे में तो बहुत सारे शिक्षाविद बोलते ही है, आप भी तो पढ़ी लिखी है, नारी शक्ति की भूमिका कितनी मजबूत हो कि उनको भी, मैं ऐसा नहीं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, उनको निवेश होना पड़े कि वाह सैल्यूट मारे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम कर रही है, शुभता आ जाए परिवारों में। स्वागत है आपका। नारी शक्ति की समाज में भूमिका, वर्तमान कालखंड में समाज में नारी शक्ति की भूमिका पर आपको बात करनी है। नारी शक्ति की बात की जाए, पहले परिचय, सबसे पहले मैं मेरा परिचय दूंगी। मैं नेहल, वाइफ ऑफ किशोर सिंह थावला, और पुत्री मैं रणछोड़ जी कुंडल की, और मैं हाल मुंबई में रहती हूँ बहेंदर में। नमस्कार आप सभी को, आप स्वागत है, आप बताइए नारी शक्ति की सामाजिक भूमिका। नारी शक्ति की मैं बात करूँ तो नारी शक्ति का सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। नारी शक्ति जब भी कोई समाज में काम आए, और जब भी समाज में कोई काम आए तो नारी मतलब पुरुषों के समान खड़ी रहे, और जब भी ऐसा कोई काम हो तो वो कदम से कदम मिला के समाज में आगे बढ़े। और जो जब कोई भी ऐसा सोशल मीडिया के माध्यम से नारी कहीं जाके बोलेगी तो नहीं, बट सोशल मीडिया के माध्यम के जरिए वो समाज में एक संदेश दे सकती है कि ये समाज रिलेटेड है, तो आप इसमें मतलब जो भी है आप आगे बढ़ाइए, और उसमें पूरा पूरा अपना इतना बड़ा संदेश जाएगा कि आज पहली बार मुंबई की धरती पे साहब इस मंच पे इस तरह की नारी शक्ति का आगमन देखा है। ये सशक्तिकरण नहीं तो और क्या है, और परिवार का स्वीकृतिकरण भी है, होता है ना परिवार का स्वतीकरण। मैं तो नंदा जी बहन से निवेदन करूंगा कि आप बोले, जब मुझे मेरे सामने नाम आया पहले लिस्ट में, मैंने कहा आर यू श्योर, उनको पूछा मैंने कहा ये प्रमोद जी की धर्मपत्नी है, बोले हाँ। तो मैंने कहा प्रमोद जी अगर भले न बोले लेकिन आज भाभी जी से सुनने की इच्छा है, आपका बहुत बहुत स्वागत, जोरदार करतल देने से अभिनंदन करें। नारी कभी नहीं हारी, ऐसा नहीं कहूंगा कि सब पे भारी, नहीं नहीं कहूंगा, क्योंकि मन ही तो घरे जाना नहीं पाता हूं, तो नारी सब पे शक्तिशाली है। आप देखो ना इतिहास उठा करके, आपको पढ़ना पड़ेगा, इंस्पायर होना पड़ेगा। आपका स्वागत है, आप पहले परिचय दें, शुरुआत वैसे हो जाएगी, धीरे धीरे हृदय खुल जाएगा कि हाँ मेरा परिचय समाज ने सुना, वो ताली बजाएंगे, सामने से बोल रहा हूँ, और उसके बाद में आपसे बात करेंगे। स्वागत है, ये रखें।
मैं नंदा प्रमोद जी पुरोहित जसवंतपुरा और मैं एक सामान्य गृहिणी हूँ जो जोरदार कर्तव्य ध्वनि होनी चाहिए कि सामान्य गृहिणी आज सामने आकर के अपनी बात कहना चाहती है। अब आपको आपके समक्ष कोई प्रश्न नहीं है, अब आप मनोभाव अपने व्यक्त करें यहाँ पर कि आप यहाँ आई, आपको कैसा लगा और सामाजिक जीवन में इस तरह से कैसे अच्छा होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, ये बात आप कह सकती हो। स्वागत है आपका। ज्यादा तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि हमारे जब मेरी उम्र में हमारे समाज की लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता था तब उसका अफसोस हमें आज तक हो रहा है कि हम बहुत कम पढ़े हैं। उस वक्त थोड़ा बहुत लड़कों को पढ़ाया जाता था, लड़कियों को तो बहुत ही ना बराबर पढ़ाया जाता था और अभी समय अनुसार यह सब बदल गया है कि अभी हम खुद लड़कियों को बहुत पढ़ाते हैं, आगे उनको बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं, तो इसका लाभ सभी महिलाओं को लड़कियों को सबको लेना चाहिए और यही सोच रखनी चाहिए कि हमारे सभी लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दें और संस्कार दें। कोई उम्र नहीं होती है सर, मैं बताऊँ आपको। अब बहुत बहुत अभिनंदन, आभार आपका। मैं चंचल मेहुल सिंह पुरोहित गांव बसंत आप सभी को प्रणाम कहती हूँ और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मोटिवेशनल स्पीकर कहा। मैं इंटरनेशनल इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर हूँ। मोटिवेशनल स्पीकिंग एक पार्ट है बट कहीं ना कहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग मेरा मूल आधार है, तो ये थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूँगी। और इसके साथ मैं स्टेट लेवल वॉलीबॉल प्लेयर हूँ। चलिए, आपके पाले में इस बार वॉलीबॉल महिला शक्ति के पाले में है, आप उसको और जबरदस्त, हाँ और जबरदस्त उसको जो खेलिएगा। लेकिन अब यहाँ से नहीं, अगर आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात की है ना, मोटिवेशनल और एक दूसरे के पूरक ही है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इतना बताइए, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं लेकिन संक्षिप्त में एक फैक्टर बताइए कि माताएं बहनें और बेटियां अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलपमेंट कर सकती है, ये बताइए आप। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मैं आपके प्रश्न पर जरूर आऊंगी, जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा, संस्कार एवं समाज और नारी शक्ति ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आप समाज में नारी को क्या स्थान देते हैं या आप समाज में नारी को किस पे है, ये आपके संस्कार और शिक्षा दर्शाते हैं। तो जब हम इन सारे शब्दों को साथ में रखें तो ये हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृति, संस्कार, हमारी शिक्षा का मूल आधार है कि हम इन स्त्रियों को, मैं खुद की भी बात करूंगी, आप हमें कैसे देखते हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं बस पुरुषों की बात कर रही हूँ, यहाँ आप एक बहुत बड़ा मैं विषय लेके आई हूँ आज, माफ करना सर। स्वागत है मेरा। माफ करना मुझे, एक हाँ। बहुत बड़ा विषय ये है कि जब मैंने कहा कि हम नारी को देखते हैं तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पुरुष कैसे देखते हैं, मैं ये भी कह रही हूँ कि एक नारी को इस समाज में क्या स्थान देती है वो भी एक संस्कृति दर्शाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी, माफ कीजिएगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी कि हमारी आदतें कहाँ पे आके हम रुक जाते हैं इस समाज को आगे ले जाने में। वो ये है कि जब, जैसे आप है आपके बच्चे हैं, आपने उन बच्चों को बाहर पढ़ने भेजा, भले वो इंडिया का कोई पार्ट हो, भले आपने देश के बाहर भेजा, फिर हम बाहर क्या बातें करते हैं कि वनरा तो टाबर बारे पढ़े है, नहीं मजा करे। नहीं सर, ऐसा नहीं है, ये मानसिकता है, आपने सही कहा, मानसिकता है। अगर हम इसी चीज को इस तरह देखें कि समाज के उद्धार के लिए या बच्चों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उस माँ ने, उस पिता ने अपना हृदय बाहर निकाल दिया है, तो हमारी सोच कितनी बदल जाएगी। और ये हमारा संस्कार हर दिन बदलते जा रहा है जो हमारे समाज को और विकसित करेगा और हमें इसी श्रेणी में आगे बढ़ना है। इसका आपने कहा ना, इसका काट क्या है, आपने कहा कि इसका काट एक ही है, मेरी जानकारी जहाँ तक, दुनिया कुछ भी कहे, कोई लेना देना नहीं, अपना लक्ष्य निर्धारित करो। मैं आई राइट, दुनिया तो इधर भी बोलेगी उधर भी बोलेगी, अपना लक्ष्य निर्धारित है, अपने को उस लक्ष्य तक पहुंचना है, तो दुनिया की कोई ताकत उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नहीं रोक सकती। ये राज साहब यहां बैठे हैं, नगर सेवक से कैबिनेट मंत्री तक बन गए, लक्ष्य निर्धारित किया उन्होंने। इसी तरह से अपने क्षेत्र का लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जरूरी होता है। दुनिया क्या कहेगी, क्या लेना देना, मुझे भी बहुत सारे बोलते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता,
कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा मुझे जो काम करना है कर, अपने लक्ष्य को खुद को ताकत के साथ आगे बढ़ाना होता है, इसलिए कोई इश्यू नहीं। आपने कहा सही कहा, ये मानसिकता है लोगों की, अपन उस मानसिकता को नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते। हमारे अंदर वैचारिक क्रांति आएगी तो ऑटोमेटिक ही बदलाव आ जाएगा। इसलिए एक मिनट अपने इस पैनल में और कोई बाकी रहे, तीन तीन छ आठ थे ना, और कौन बाकी रहे हैं, कहाँ है? अच्छा खुशबू नहीं आई, तो हाँ एक हुई। तो अब मैं निवेदन करूंगा आपसे ही, ये पहली बार मंच पर आई है उनका अभिनंदन आप शॉल से करेगी। स्वागत है आपका, वहां से शुरू करें, हाँ यहाँ से कहीं से भी शुरू करें, आप खड़े हो जाए यहाँ आ जाएंगे और फिर बाद में एक फोटो सेशन हो जाएगा आपका। इन्होंने इसीलिए सम्मानित नहीं हो रही, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, अपने मन की बात को आगे बढ़ाया है। बहुत बहुत अभिनंदन आपका, और आए आप साथ में आ जाए सभी को, आप यहाँ खड़े हो जाए, हाँ फिर इसीलिए का ग्रुप फोटो आ जाएगा आपका। और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी माता मेरी बहनों के लिए मेरी बेटियों के लिए कुछ तो हम कर पाते हैं, ये मान है ये सम्मान है, होना चाहिए। आइए बेटा आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आओ ना, आगे आइए धीरे से, एक लाइन में कर रही है। बहुत बहुत अभिनंदन आपका, वंदन। ये जिम्मेदारी है, ये कर्तव्य पथ है बेटा, और आपने हमें हौसला दिया है। अब आप सभी एक मिनट, आप बेटा इनको, हाँ मैं वही ला रहा हूं, वो फैसिलेट कर रहे हैं ना, इसलिए आप इनको सम्मानित करें। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन, आप वहां हो जाए, आप आगे आप पधारो, हाँ आप सभी एक लाइन में आ जाए, आई एम अनविजिबल देयर, यस थोड़े एक मिनट मैं नीचे आ जाता हूं। हाँ ये शक्ति का स्वरूप पूरा देश देखेगा साहब। आने वाले कालखंड में इन्हीं का समय है, इनका भाई साथ में है साहब, अच्छा काम करने के लिए हमेशा आगे बढ़ेगा। जय की जय, आत्मानंद जी महाराज की आत्मा साक्षात यहाँ सूर्य मंदिर में सर। अपना मूल जो काम है वो बाकी है, मैं कह रहा हूँ और भी वो प्रमुख काम तो, और राज साहब आप 28 बिरा जाओ। मैं नहीं, मेरे जो बोलना है वो दो शब्द तो मैं बोल ही देता हूँ साथ साथ। नहीं आज क्या हुआ है मैं बताऊँ आपको, मुझे मालूम था वो 11 देवान तैयार हो। नहीं मेरी बात सुनो, पैसों की बात नहीं है, आज तो हमने तय किया, सबको अच्छा लग रहा, पूरे देश भर से मैसेज आए कि सर थे आओ किसो के आज 1-to-1 बात करो, राज साहब ने भाषण देना भाई, तो बहुत मुझे कहा लोगों ने, अब बताइए सर। तो मैंने यही कहा कि मंच का एक प्रोटोकॉल होता है, मर्यादा होती है, अब मैं मंच से बोल रहा हूँ भाषण तो सदन मर्यादित होता है, सदन जो है नहीं बोलता उनको कि आप क्या बोल रहे हो या मैं बोलो या बहुत सारी चीज होती है। आज संवाद होगा, आप जो बोलेंगे हम भी आपको क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, आज हमारे विषय पे आज आपको बोलना है, आपको दूसरा कोई विषय नहीं लेंगे, हम सवाल करेंगे आप जवाब देंगे, वो इंटैक्ट होगा, 1-to-1 संवाद होगा, और ऐसा संवाद होगा जो आप उस कालखंड में 1984, 85, 86 में करते थे, पुनः एक बार वापस आपको उस स्थान पे लाना चाहते हैं हम। इसीलिए आपने कहा कि मुझे बोलना है, बोलिएगा, बस मैं निवेदन करता हूं आपसे, माइक हाथ में लीजिएगा और हाँ ये हाँ ठीक है, आज ये माइक, हेलो हाँ समझ गया, आज ये माइक 250-300 रुपए का नहीं है, करोड़ों रुपए का माइक है। मैंने जब कह दिया कि 10 करोड़ की बात आई है ना, कहा ना मैंने, और हिम्मत से ये काम आगे बढ़ेगा, माताओं बहनों और बेटियों की वजह से। मुझे उनके सामने नहीं कहना था, अब मैं बताऊं आपको, मैं 3 दिन तक अपने आंसुओं से रोया, एक बिटिया का फोन आया, मैं गांव का नाम नहीं लेना चाहता, उसके बाद पिछले हफ्ते भर की बात है, मेरे मस्तिष्क में ऐसा कोई विचार नहीं था कि ऐसा काम करूं। बिटिया का फोन आया कि संपर्क में परिवार वाले 1000-2000 करीब परिवार वाले संपर्क में, बहुत सारे समाज के। तो साहब शुरुआत कहां से होती है मैं बताऊं आपको, इसीलिए मुझे या इस फील्ड के लिए इन सिक्कों के लिए बाहर आना पड़ा कि मैंने कहा अखिल भारतीय राजपूत नारी शक्ति स्वयं अन्नपूर्णा है, एक रुपया भी किसी से नहीं मांगेगी कि डोनेशन दो हमको,
ये वादा किया हमने एक रुपया भी नहीं मांगेगी कि डोनेशन दो, तो बोले कैसे होगा, बोले चांदी का सिक्का। उसमें आत्मानंद जी महाराज की सुबह से ज्ञान है, रोशनी है, वो चांदी का सिक्का उनके पास जाएगा, धरोहर के रूप में जाएगा, पूजा जाएगा, और उस चांदी के सिक्के से जो अर्न होगी वो है अखिल भारतीय राजपूत नारी शक्ति के कार्यक्रमों को भी संचालित करेगा, और मैंने जो बताया उस रूट को भी संचालित करेगा। इसीलिए बोले सर 24,000 रुपए की जरूरत है, मुझे बीएड करनी है और मेरा तीसरा साल है, खराब हो जाएगा। दो दिन पहले फोन आया, उसके सोमवार को था उनका जाने का और मुझे शुक्रवार को फोन आता है। मैंने कहा बेटा स्वाभिमान क्या होता है मैं बताता हूँ। मैंने कहा बेटा मैं तुझे 11,000 रुपए भेजने के लिए तैयार हूँ। बोले नहीं चाहिए। उसने बिटिया ने बोला, उसकी मम्मी ने भी मुझे बात की, मुझे अच्छा लगा। उन्होंने कहा नहीं चाहिए। मैंने इसीलिए कह दिया कि मैं एक रुपया वापस नहीं लूंगा, आप उपयोग कीजिए। वो स्वाभिमान था, परिवार वाला स्वाभिमान। बोले नहीं चाहिए, अगर मान लो आप वापस नहीं लेंगे तो मुझे ये पैसा नहीं चाहिए। मेरे मस्तिष्क में ठलक गई अजराज जी साहब। मैंने कहा स्वाभिमान क्या होता है मेरे समाज का, मुझे समझ में आया कि एक एक सिक्का हर घर में जाएगा ना, उसका स्वाभिमान झलकेगा कि हाँ मैंने योगदान दिया है, मेरे चांदी का सिक्का आया है, उस काम के लिए मेरा योगदान है। आपके घर की बच्ची भी, आपके परिवार की बच्ची भी, आपके संबंधी की बच्ची भी स्वाभिमान से लेगी कि ये समाज का पैसा है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, और उससे पैसा लेकर के मैं पढ़ूंगी, आगे बढ़ूंगी, और उसके बाद जब सक्षम हो जाऊंगी तो पुनः वापस इसलिए दूंगी कि मेरी आने वाली पीढ़ी और ज्यादा जो है इसमें सक्षम करे। मुझे बताइए, क्षमा चाहता हूं, राजपूत समाज में ऐसी पद्धति, रतन सिंह जी ऐसी पद्धति, ऐसी संस्थान पर्टिकुलर इश्यू से पे कोई नहीं है, और ये ग्रे स्केल था, फील्ड खाली था। और माता और बहनों और बेटियों से मैंने पूछा, जानकारी ली, बोले भाई साहब आपने जो बीड़ा उठाया है जोधपुर की धरती से जो कार्यक्रम हुआ था, पूरे देश भर से माताएं बहने बेटी आई थी, बोले आपने हमें मंच दिया उसके लिए, और मन हमारा बहुत बढ़ गया है, इसलिए इस कार्य को आगे ले जाना के लिए आपको ही आगे रहना है। मैंने कहा साल दो साल तक रह सकूंगा, फिर पूरी कार्यक्रम की रूपरेखा आपको है, आगे जाकर के उसको प्रोफेशनल रूप में भी लेना है। साहब एक बेटी होती है ना, परिवार में रहती है तो वो अपने माता पिता भाई बहन के लिए जल्दी उठती है, जब उसकी शादी हो जाती है ना तो वो अपने पति के लिए, अपने ससुर के लिए, अपने सासू के लिए जल्दी उठती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना साहब, तब वो अपने बच्चों के लिए जल्दी उठती है। कर्मठता की बात करो, और यदि अब समाज के लिए मेरी बहन बेटियां माता जल्दी उठने लगी है तो समाज का अप्रतिम शुभता का शुभारंभ हो रहा है, सबसे बड़ी बात है। और अभी भी दकैनी से विचारधारा है, बहुत है गांव में, बहुत है बात है, लेकिन अब उस बातों को इग्नोर करते हुए पूरे देश की माताओं बहनों और बेटियों से, और बेटियों से विशेषकर निवेदन करना चाहूंगा, मेरा एक ही टैगलाइन है, जहां बेटी खड़ी होती है वहां जीत बड़ी होती है, जहां बेटी खड़ी होती है वहां जीत बड़ी होती है। और इस जीत का शुभारंभ सूर्य मंदिर की साक्षी में आज राज साहब के सानिध्य में, मंगल प्रभात जी लोढ़ा के, इन दोनों के हाथों से जो छक्के का जो विमोचन हुआ है, लोकार्पण हुआ है, वो समझता हूँ उज्जवल, उज्जवल नहीं हमारे समाज के मुख को भी उज्जवल करेगा। आत्मानंद जी घर घर में पहुंचेंगे, बच्चों को पता लगेगा कि आत्मानंद जी, आने वाली पीढ़ियों को पता लगेगा कि आत्मानंद सिक्के, तो ये सिक्के शुद्ध चांदी के सिक्के सदियों तक चलेंगे और रोशनी देंगे। इसीलिए हमने तय किया है कि 1,00,000 सिक्कों का जो है समाज में वितरण हो। मैं समझता हूँ एक साथ नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 वितरण शुरू हो जाएगा, और ऐसा वितरण होगा कि समाज में एक नई ऊर्जा का स्पंदन होगा और समाज में एक नया पोटेंशियल तैयार होगा मेरी माताओं और बहनों और बेटियों के लिए। इसलिए आपसे अभी एक छोटा सा प्रश्न है, गुरुदेव कहा करते थे आत्मानंद जी, शिक्षा भले हो, वह शिक्षा कोई कौन रीजन में संस्कार नहीं है, ये डिबेट है यहां पे माता और बहनों के लिए, उनके बीच में ही आप पहले ही आ गए। अब आप ये बताइए साहब, शिक्षा और संस्कार में फर्क क्या है? स्वागत है आपका, उठाइए माइक सर। शिक्षा तो स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो तो हो गई शिक्षा,
परंतु परिवार में, समाज में, इन लार्ज सोसाइटी में आप कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे बड़ों के साथ बोलते हैं, अगर बहू है तो किस तरह से सास और ससुर के साथ व्यवहार करती है, अगर बेटी है बेटा है तो पिता और माता के साथ कैसा व्यवहार करता है, घर में अगर मेहमान आता है तो पानी का गिलास देते या नहीं देते, उसको भोजन देते पूछते कि नहीं पूछते, अगर उम्र में छोटा है तो उसको धोख देते चरण छूते या नहीं छूते, अगर कोई पानी मांगता है तो अपन पानी देते कि नहीं देते, पिलाने के बाद उसका गिलास वापस लेते कि नहीं लेते, चारों दिशाओं में जो अपना वातावरण है अगर एक गिलास में झूठा पड़ा हुआ है या एक बर्तन पड़ा हुआ है या कोई अपशब्द बोलता है तो अपनी वाणी से प्रभावित होते कि नहीं होते। जब एक व्यक्ति गाली दे रहा था, मत सुनिए, एक आदमी पोपट खरीदने गया, ये मार्केट कौन सा है, क्रॉपर मार्केट, करेक्ट, क्रॉपर मार्केट में एक व्यक्ति पोपट खरीदने गया, तो पोपट बेचने वाले ने पूछा को पूछा उसने कि इस पोपट की कीमत क्या है, तो इसकी पोपट की कीमत है 5 रुपया, और ये पोपट की कीमत क्या है, तो बोले इस पोपट की कीमत है 5000 रुपया। पोपट तो सही है, एक की 5 रुपया और एक की 5000 रुपया, तो बोले अभी सब आप देख लो सुन लो, तो हमने पिंजरे में ऐसा ऐसा किया और पोपट को हिलाया, उस पोपट ने जो 5 रुपये वाला देना था ना उसने गाली देनी शुरू की, रामकोर नालायक नीच कमीने तेरी ऐसी गम तैसी, गालियां देनी शुरू की और रुका ही नहीं, पूरे खानदान को गाली दे दी। फिर उसने जो 5000 रुपये वाला पोपट था उसको ऐसा किया, जय श्री राम जय श्री कृष्णा कैसे हो परिवार कैसा है, यह है संस्कृति। अब इन्होंने पूछा है ना, बहुत डिफिकल्ट प्रश्न पूछा है, पर इस डिफिकल्ट प्रश्न का मैं उत्तर देता हूं कि शिक्षा पढ़ने से ही संस्कार नहीं मिलते, संस्कार परिवार से मिलते हैं, और अगर कोई संस्कार का कोई स्रोत हो, अब सुनिए, संस्कार का कोई स्रोत हो ना तो इधर नहीं बैठा हुआ है, संस्कार का स्रोत संस्कार की गंगा जहां से प्रकट होती है ना वो ये मेरी बहने यहां बैठी, संस्कार की पहली पाठशाला यहां पर बैठी है, पहली पाठशाला यह है कि मेरी बच्ची कैसे होगी, मेरा बेटा कैसे होगा, मेरा बेटा पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, मेरी बेटी पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी, वो संस्कार वाली होगी या नहीं होगी, अपना नाम उज्जवल करेगी कि नहीं करेगी, परिवार का नाम उज्जवल करेगी कि नहीं करेगी। अगर एक कहावत है कि जब एक बेटा पढ़ता है तो वो सिर्फ अकेला पढ़ता है, और जब एक बेटी पढ़ती है तो दो परिवार पढ़ते हैं, ससुराल का भी वो जाके भला करती है और अपने मायके का भी जाला भला करती है। तो संस्कार में जो महिला पढ़ती है ना वो दो लोगों का भला करती है, इसलिए व्यक्ति में आज समाज को जरूरत क्या है, शिक्षा की जरूरत है, शिक्षा के साथ संस्कारों की जरूरत है। सर आपने एक मिनट में बीच में बोलूंगा, मैं निवेदन करूंगा, मैं समझ रहा धारा प्रवाह बोल रहे हैं, यहाँ पे विषय अंतर भी कर रहा हूं, आपने कहा संस्कार इसकी पहली पाठशाला माँ होती है, माँ होती है, बात सही कही आपने, और शिक्षा स्कूलों में कॉलेजों में मिलती है। अब इतर आपसे बहुत खतरनाक प्रश्न चाहता हूं मैं, एक कालखंड था जो बच्चे गुरुकुल पद्धति में पढ़ते थे और माता पिता उनको आशीर्वाद देके भेजते थे और निश्चिंत रहते थे कि आप पढ़ने के लिए गए हैं, गुरुजी पर विश्वास है, उसका उस गुरुकुल पद्धति पर पूरा विश्वास है, और जब तक वो उनका पूरा दिल नहीं होता था तब तक माता पिता उनको देखने भी नहीं जाते, आनंद की अनुभूति लेते थे। लेकिन आज आज बच्ची हो या बच्चा, लड़का हो या लड़की, कॉलेज में जाते हैं, जाने से शुरुआत से ही तब तक वो वापस नहीं आते हैं, माँ बाप चिंता में खोए रहते हैं। राइट, बदलाव आया, क्यों कैसे आया मैं बताऊं आपको, मैकलो कल्चर हमारे जीवन में उतर गई,
साहब मैकेनो संस्कृति हमारे जीवन में उतर गई और हमारी गुरुकुल गुरुकुल जो पद्धति थी ना वो खत्म हो गई, इसलिए संस्कार कहीं वही दफन हो गए। अब बताइए आप मुझे साहब, इस संस्कारों को संस्कार पोपट तो सर वो कापड़ मार्केट में मिल जाएगा, संस्कार कौन से मार्केट में मिलता है? हाँ नहीं बताइए आप, संस्कारों की बात चली है तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और मुझे लगता है कि दोनों तरफ जो बैठे हुए उनके लिए जरूरी है। पहली बात तो संस्कार की कोई व्याख्या नहीं की जा सकती, जैसे हिंदुत्व की व्याख्या नहीं की जा सकती ना, हिंदू है मैं हिंदू, हिंदू मीन्स क्या, तो वैसे ही संस्कार मीन्स क्या, डेफिनेशन नहीं कहता कि माई के संस्कार, नहीं, संस्कार व्यवहार है। संस्कार रात दिन में जो काम करते हैं हम, क्रिया करते हैं, वो संस्कार है। आज आपने इतनी खतरनाक बात कही है समाज में जो अभी मुझे बोलना चाहता हूं, अगर ध्यान होगा तो मैंने ये तुलसीराम जी बाबा जी का चुम्मा सका है अटरकंटक क्या अमरकंटक, अंबर अमरकंटक में मेरा लंबा भाषण हुआ था, उसका एक हिस्सा तो लोगों तक गया, दूसरा हिस्सा नहीं गया, बहने थी करीबन 450 की संख्या में, और वो मैं आपको बता रहा हूं। आज बहनों आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, अगर ये जैसा उन्होंने कहा कि माँ ये करती है, बहन ये करती है, पत्नी ये करती है, सब कुछ करती है, अगर ये वर्ग काम पे जाना बंद कर देगा, व्यापार में जाना बंद कर देगा, नौकरी में जाना बंद कर देगा, घर चलेगा? ये बात तो सही है, एक मिनट सर विषांतर नहीं होगा, ये बात तो सही है, लेकिन एक एनालिसिस आया था और परफेक्ट एनालिसिस आया था साहब, आप और हम नौकरी पे जाएंगे, व्यापार के लिए जाएंगे, जितना कमाते हैं ना साहब उतना चुने चुने परिवार का पालन पोषण करना इतना बड़ा काम करती है, जितना आप कमाते हैं उसे चार गुने का वो रुपयों की कीमत के लिए काम करती है, लेकिन वो कर्तव्य पथ पर रहती है साहब, बोला सुनो पहले, इसीलिए कोई किसी का एहसान नहीं, गृहस्थी दो पहियों की गाड़ी है, गृहस्थी दो पहियों की गाड़ी है, इसलिए कंपेयर नहीं हो सकता सर मैं, क्योंकि ये जब संवाद की बात आई है, विषयांतर नहीं संवाद की बात आई है, तो आपसे आज मैं 1984 में ले जा रहा हूं, जब आप मुंबई आए थे 82 में, जब आपका भाषण हम सुनते थे, जब आपकी व्याख्या को सुनते थे, और धीरे धीरे आप राजनीतिक क्षेत्र में आए, शिखर पर पहुंचे, लेकिन उसके साथ आज ये आपकी बात यहां तक सदन नहीं पूरा देश समझेगा, पूरे समाज के पास बात जाएगी और उनको लगेगा, इसलिए एक निवेदन मैंने बताया आपको, एक निवेदन और ये है आपसे, सामाजिक जीवन में इस कालखंड में नारी शक्ति का योगदान होना चाहिए, और होना चाहिए तो किस तरह से होना चाहिए ये बताइए आप। मेरी बात अधूरी रह गई है, मैंने ये कहा कि ये वर्ग अगर काम पे नहीं जाएगा, नौकरी पे नहीं जाएगा, दुकान में नहीं जाएगा, व्यापार में नहीं जाएगा, तो घर अधूरा है, इनको करना पड़ेगा इनका काम, परंतु दूसरी तरफ घर किसके भरोसे छोड़ के जाते हैं, आपके भरोसे, बच्चे किसके भरोसे छोड़े जा रहे हैं, आपके भरोसे, तो मां मां में इतनी ताकत है, शायद दुनिया की कोई ताकत मां का विश्लेषण नहीं कर सकती, मां तो मां ही है, मां तो मां ही है, आप कितना भी पुण्य कर लो, जिस समय बच्चे का जन्म होता है उस समय वो पिताब और मूत्र करता है ना, वहां से लेकर जिंदगी जब तक मां जीती है ना, बच्चे की चिंता करती है, वो मां है, बच्चा बड़ा होता है भार इनके ऊपर है, बेटी बड़ी होती है भार इनके ऊपर है, बेटा बड़ा होता है भार उनके ऊपर है, इस इतना भार संभालने के लिए आपने जो बात कही ना, मैं आपसे सहमत हूं कि ये आपसे कह रहा हूं
इनका जो समाज का महत्व है ना, उसको कम मत आकिए। अगर ये नहीं होती तो आप भी नहीं होते। अगर परिवार में संशय की भावना है, समाज की भावना है, आपकी इज्जत बनी हुई है, आपका सम्मान बना हुआ है, आपका धन का रक्षा कर दिए, आपकी इज्जत की और मान मर्यादाओं की रक्षा करने वाले, तो ये हमारी माँ और देवी और बेटी ये करती है, यही समाज की ताकत है। तो आज इनको, जैसा आपने कहा कि वास्तव में सारी जिम्मेदारियों की महत्वपूर्ण कोई कड़ी है तो हमारी बहनें और माता है, और सब ये कर्तव्य पथ की तरह है। वो अधिकारों से कभी नहीं लड़ी है, मैंने देखा है, कभी कभी रोने को होता है, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी माता और बहनों और बेटियों के दुखड़े जब मुझे फोन आते बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि धिक्कार है मेरे जीवन को, जो मैं माताओं और बहनों और बेटियों के लिए कुछ नहीं कर पाता हूँ। आपने कहा, क्योंकि मैं सीधा उनसे जुड़ा हुआ हूँ मैं, और मुझे पता है कि उनके कष्टों का निवारण शुभता से ही आएगा। और आपने कह दिया नारी शक्ति की भूमिका, और ये भूमिका परिवार से शुरू होती है, कुटुंब से शुरू होती है, और समाज और देश तक पहुंचती है। कम नहीं है आप, अगर कोई कम आके आपको तो उनकी गलती है। यत्र नारियत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इसका मतलब आरती उतारना नहीं है, हमारी भावनाओं में परिवारों में बची हुई नारी शक्ति का स्वरूप समझने की बात होती है साहब। अब बहुत अच्छी बात आपने कही, अब आपको बैठना भी है, माताएं बहनें यहाँ पे डिबेट कर, आपने सही कहा, वो मैं मालवाड़ी बात कर लूं, और जैसा देश वैसा भैंस, आपकी सारी चीजें इसी में सम्मिलित है सर। वास्तव में ये चिंतन का विषय है आज के कालखंड में, कि हमारे संस्कारों को पुनः कैसे प्रतिस्थापित कर सकते हैं हम। ये संदेश है समाज के लिए, देश के लिए, आपके माध्यम से। मुझे परिचय देने की आवश्यकता है, है? परिचय तो आपको देना पड़ेगा क्योंकि स्टूडियो से जा रहा है। तो नाम महेंद्र, पिताजी का नाम सोनलाल जी जोशी, गांव सिंधरली, व्यवसाय मुंबई में, और मेरी पढ़ाई मिलिट्री स्कूल में हुई है। वैसे मेरा परिवार करीब 100 वर्ष से मुंबई में है। मेरी जानकारी के लिए, मेरे स्वर्गीय दादाजी का जन्म साउथ अफ्रीका का है, और 1920 में वो मुंबई में आए थे, और तब से हम यहीं पर हैं। आपने संस्कारों की बातें चल रही है, मैं थोड़ी देर में सोचने लग गया कि संस्कारों को परिभाषित कैसे किया जाए। अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि संस्कारों की कमी है, तो क्या ये माने कि हमारे पास संस्कार नहीं है? सही कहा है, हमारे पास संस्कार है, सिर्फ तकलीफ ये हो गई कि परिभाषाएं बदल गई है। स्वीकार नहीं कर रहे हैं, स्वीकार भी कर रहे हैं, हमने प्रायोरिटी कुछ और विषयों को देना शुरू कर दिया। जब थोड़ा पीछे जाएंगे 25-30 साल पहले, तो जो बंदा 8वीं या 10वीं पढ़ा हुआ होता था, फड़िया गुड़िया धक्का बेवाड़ा सामने, मतलब ये एक व्यवस्था बनी हुई थी। उसके बाद में जो बच्चा अंग्रेजी बोलने लग गया, अंग्रेजी पढ़ा, वो और ज्यादा होशियार हो गया। अब हमें ये समझने की खाली इतनी आवश्यकता है कि वो एक डिग्री है, वो एक व्यवस्था को पढ़ा है, लेकिन जिनको मूल संस्कार कहते हैं, वैसे भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि वो परिवार से ही निकलते हैं, और आज भी हमारे परिवार उन संस्कारों को बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन तरीके से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेन संस्कारों का 16 संस्कार कहे गए हमारे। उसमें एक संस्कार ये है कि सुबह उठकर नित्य कर्म जो हमारे है, अगर वो सही तरीके में आ जाए तो बाकी सारी चीजें अपने आप लाइन में आ जाएगी। क्योंकि नहीं, मैं समझ जाता हूँ, वो 16 संस्कारों में नहीं है, वो व्यवहार में एक उदाहरण। 16 संस्कार उसी प्रकार बहुत सारे संस्कार है हमारे, तो हमारा सुबह उठने के बाद हमारा जो दिनचर्या होती है उसके भी संस्कार बताए गए हैं। अगर आप उनको फॉलो करना स्टार्ट कर गए तो आपका जीवन में बाकी जो चीजें की अभाव है वो सारे की सारी पूरी हो सकती है। इनकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आपने कहा सुबह, आप सुबह उठोगे दो हाथ को ऐसे मल करो, कराग्रे लक्ष्मी वस्ते कर मिलेश्वर सती कर मध्य तु को विद्या पर बात कर दशनम, ये संस्कार यानी आकार देते जीवन को, और ऐसे हाथ करेंगे तो चंद्रमा दिखाई देते। आपने सही कहा, ये सनातन संस्कृति आध्यात्मिक माध्यम से हम संस्कारों को अंगीकार कर सकते हैं। आपका मैं एक निवेदन करूंगा, आपके बीच में कोई प्रश्न जिज्ञासा है मैं माइक लेकर आऊंगा, इन पैनलिस्टों से पूछ सकते हैं, मैं अकेला ही नहीं हूं भेजने वाला, इसलिए आप हाथ खड़ा करेंगे मैं आपके पास आऊंगा, आप और आप कोई भी हो। बिल्कुल सही एक बात आपने कही, मुझे आज पहली बार पता लगा कि आप मिलिट्री स्कूल से पढ़ के आए। जो मिलिट्री के स्कूल से पढ़ के आता है उसका जीवन अनुशासित होता है। अब मुझे आपने स्पार्क कर लिया, मैं भी एनसीसी का सार्जेंट हूं सर, बस फर्क इतना है कि आर्मी में नहीं गया। अब हमारे सामने दो विद्वान और बैठे हैं,
चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने कहा था कि सारी रात हम यहाँ जगते हैं लेकिन हम इस संध्या काल के जागरण में जरूर आएंगे। ये जागरण है, ये सनातन संस्कृति का समाज के लिए साहब ये बड़ा जागरण है। सर रतन सिंह जी सबको नमस्कार। हाँ परिचय दे दे फिर बाद में मैं आऊंगा। मेरा नाम रतन सिंह जुहार सिंह जी राजपुरोहित, गांव नाणा है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। सर हाँ बोलिए, प्रश्न दूंगा अभी मैं आपको, बोलने नहीं दूंगा। मैंने आज तो राज साहब को भी अवधे को निर्देशित तो बहुत जबरदस्त बोली कार, मैंने बोलवा दी थी। तो सच तो यह है, मैं बताऊं आपको विषय पे रखूंगा मैं आपको, आपको एक विषय देता हूं शिक्षा संस्कार में तो बहुत ये हुआ जी। ये नारी शक्ति जो है ना जिज्ञासा है, कोतुलता से समाज के विकास में योगदान देती है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज से उनको पीछे पकड़ करके रखा है कि मैं नहीं थोड़ो कौन खोली, ऐसा बोलते हैं ना, नहीं नहीं थोड़ा काम खोले, लेकिन सक्षम है वो, अधिकारी है। सर इस विषय पे आप बात करें कि किस तरह से उनको मोटिवेशन करके किस तरह से समाज में, समाज के कार्यों में कर्तव्य, कर्तव्य पद तो है ही, अगर जिस दिन इन्होंने अधिकार का झंडा उठा दिया ना राज साहब, आप जो बोल रहे थे ना आपको 10 दिन तक 15 दिन तक उपवास करना पड़ेगा, इसलिए वो कर्तव्य पथ ही कैसा आपकी गर्मी थी वहां। तो मुझे ये बताइए, ये संदेश पूरे देश समाज को जा रहा है, समाज में नारी की इस भूमिका में सशक्तिकरण के माध्यम से क्या और कैसे होनी चाहिए? नहीं आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं कुछ और कहना है। स्वागत है, हाँ नहीं चल रहे, मैं वहां आ जाऊंगा जी। हाँ बोलिए, आपने 2-3 बार एक मिनट शांति रखिए, आपने 2-3 बार एक शब्द द्वारा है कि मैकाले की शिक्षा पद्धति, मैकाले की शिक्षा पद्धति जी जी, वो आई तो कैसे आई उस पर कोई विचार नहीं कर, रिसर्च हुआ नहीं। नहीं आप सुनिए पहली बात, मैकाले की पद्धति क्यों आई, अंग्रेज 200 अंग्रेज आए थे अपने हिंदुस्तान में, उन्होंने इतने सालों तक राज किया, वो क्यों किया, क्योंकि हम संगठित नहीं थे। सही बात, हम संगठित होते तो ये पद्धति आती नहीं। अगर नहीं 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 समझ आता हूँ आपसे विरोधाभास है, संगठन की वजह से नहीं हुआ सर, मैं बताऊं आपको, मैं समझ आता हूँ आपकी बात को करेक्ट और आगे करता हूँ। उन्होंने देखा कि किसी को देश को तोड़ना है तो उसकी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करो पहले, यानी गुरुकुल पद्धति को हम समाप्त करेंगे, मैकेलो संस्कृति यहाँ आ जाएगी, बच्चे ABCD सीखेंगे और क्या करेंगे स्कूल में जाके। सर मैं बताऊं आपको ऐसा ऐसे करते हैं ना, हमारी संस्कृति वो नहीं है, हमारी संस्कृति है नमस्कार प्रणाम, इसीलिए कहा ना सर मैं, वो तो तोड़ा ही उन्होंने, लेकिन मूल कारण ये था। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि फिर कैसे तोड़ा संस्कार अपने। स्वागत है, हाँ स्वागत है। हाँ तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई हम संगठित नहीं थे इसलिए शिक्षा पद्धति आई, मैकाले की आई, जो भी आई, तो ये सब आज की डेट में भी जो ये सब चीजें हो रही है वो हम एक व्यवस्था का हिस्सा है, हम एक व्यवस्था में रहते हैं, समाज में रहते हैं, बच्चे जो भी है घर में रहते हैं, बाहर पढ़ने जाते हैं, तो जो संस्कार की बात है, संस्कार कोई एक एक शब्द है लेकिन उसकी व्याख्या बहुत बड़ी है, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते बराबर ना। तो हमें पहले तो सबसे पहले संगठित रहना पड़ेगा एक समाज के तौर पर, एक परिवार के तौर पर ऐसा रहना पड़ेगा। सेकेंड थिंग जो है मेरा नारी जो है, हाँ नहीं नहीं सर मैं बताऊं, ये राइट में जा रहे हैं लेकिन मैं लेफ्ट में भी तो ले जाऊंगा ना सर, इधर लेफ्ट बैठा है तो नहीं नहीं वो मैं समझ रहा हूं, लेकिन दिशा अंतर भी होकर के आपकी बात को देश तक जाएगी, एडिट होके जाएगी सर, मैं बताऊं आपको, मैं बताऊं। अब बोलिए आप, नारी शक्ति की भूमिका की बात करें हम। हाँ देखो ऐसा है, आपने ये शब्द जो है नारी शक्ति रखा, हाँ तो नारी शक्ति क्यों रखा, खाली नारी क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये शक्ति स्वरूपा है। हाँ तो जब ये शक्ति स्वरूपा है तो ऑलरेडी उसकी नारी की तो भूमिका है ही है, उसमें संवाद करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। अगर ऐसा होता बिना नारी के, एक मिनट आप बोल रहे हो समझ आता, अगर ऐसा होता तो अभी तक समाज में, मैं 1982 से मुंबई में हूँ, अभी तक समाज में आपकी जगह नारियां होती और वो संचालित करती कार्यक्रम को, आपको तो आगे आने ही नहीं दिया आपको उनको, आपने शक्ति को पहचाना ही नहीं आपने। सर क्या बात करते हो आप, शक्ति को पहचानो आप, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, तालियां तालियां इनके खिलाफ नहीं है, दोनों के लिए है, इनके लिए है, धन्यवाद। लेकिन सवाल ये होता है कि कहीं ना कहीं तो
सर कहीं ना कहीं तो वाद है, एकाधिकार है, पुरुष प्रधान समाज की आज भी बात है सर, हम इसको तोड़ना चाहते हैं। अगर आप मुझे कुछ भी बोलो, एकाधिकार यानी समाज, पुरुष समाज की बात करते हैं कि हमारा ही अधिकार है, ठीक नहीं, पुरुष प्रधान समाज का समय लद रहा है सब, उसके परिवर्तन में मैं कहना चाहता हूँ नारी शक्ति की भूमिका कैसे हो सकती है। मैं ये आपसे ये पूछ रहा हूँ कि बिना नारी के प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, आप मुझे क्यों पूछ रहे हो सर? नारी के समाज का अस्तित्व है क्या? पहली बार ऐसा हो रहा है, आपने पूछा है, यस। अगर ये शक्ति नहीं होती तो आप रोको वजूद है। मेरा नाम मुकेश साधुल सिंह राजपुरोहित है और भाईंदर पश्चिम में मैं रहता हूँ और इमिटेशन का वो एक ही प्रश्न आपके सामने, शिक्षा संस्कार नारी शक्ति के अलग अलग व्याख्यान हो रहे हैं सर, मैं बताऊं आपको, लेकिन मूल व्याख्यानों में अभी तक हम नहीं जा पाए, अंडर डीप में जाना चाहता हूं सर आज मैं। संस्कार जो जीवन को आकार देते वो संस्कार है, शिक्षा तो कॉलेजों में स्कूलों में गरीब है कम वटू संस्कार नहीं आवे, आवे संस्कार कटू आवे, व्यवहार से आते, राज साहब ने सही कहा, व्यवहार से आते। क्या इस कालखंड में समाज में संस्कारों के साथ शिक्षा किस तरह से हो सकती है? माफ करना, कहां दिलीप जी यहां बैठे हैं, आपसे भी जवाब लूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उन्नति कर ली लेकिन संस्कारों के क्षेत्र में सर उन्नति नहीं कर पाए हम, नम टॉप नहीं कर पाए, हमारी हमारी विद्याएं हैं, हमारी संस्कृति है, उनको प्रस्तुत नहीं कर पाए, क्या कारण है उसका? संस्कार का जो मतलब है, बहुत भारी शब्द आपने लाके लगा दिया है, इतना भारी भी शब्द नहीं है संस्कार। संस्कार का मतलब यही है, हम हमारे व्यवहारिक जीवन में हमारे जो नैतिक मूल्य हम चला रहे हैं या जो हमारे नैतिक मूल्य हम अनुभव कर रहे हैं उसका सही तरह से यदि पालन हो गया ना तो वो संस्कार ही है। संस्कार के लिए कोई अलग से इतना बड़ा भारी शब्द लाना जरूरी नहीं है। नैतिकता कहां से आएगी, आपने अच्छा प्रश्न पूछा। संस्कार की सबसे ज्यादा उत्पत्ति बोलते हैं या जहां से आएगा कहां से, इसकी कोई फैक्ट्री तो है नहीं कि ये कोई दुकान पे तो मिलता नहीं है कि पैसे लेके गए और बोला कि मुझे संस्कार दे दो, वैसा तो होता नहीं है। संस्कार आएंगे परिवार से, कुटुंब से, और जब हमारी कुटुंब व्यवस्था एकदम सही तरीके से रहेगी तो वहां से धीरे धीरे संस्कार आते जाएंगे। हमने कहां से सीखा, हमने हमारे पिताजी से सीखा, हमने कहां से सीखा, हमने बड़े भाई से सीखा, तो जो बड़े भाई से सीखा, जो पिताजी से सीखा, वही धीरे धीरे हमारे जीवन में चलता रहता है। और आपकी बात बिल्कुल सही है, संस्कार देने वाली सबसे पहली माँ है। छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि में बैठे तो हम माँ जीजाऊ का भी बात करने से हम बिल्कुल नहीं छूटेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा जीवन यदि हम देखेंगे तो जीजाबाई के इर्द गिर्द ही है। उन्होंने जिस प्रकार से उनको तैयार किया उस प्रकार से वो तैयार हुए। अब बात है कुटुंब की, माफ करिए, आपने नारी शक्ति के बारे में बहुत सारी बातें की, नारी शक्ति के योगदान के बारे में भी बहुत सारी बातें की, लेकिन कुटुंब की जो पूरी व्यवस्था हमको पहले से मिली हुई है, पहले संयुक्त तो कुटुंब थे, अब एकल कुटुंब क्यों हुए, उसका कारण कौन ढूंढेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यदि उसकी जिम्मेदारी आपको भी लेनी पड़ेगी, आप यदि वाहवाही लेते हो तो जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी, दोनों चीजें, और दोनों तरफ से चलना पड़ेगा। देखा तालियों इधर से जोर से बजी है। हाँ, उसका कारण है कि ये बहुत प्रेशर में आ गए थे इसके लिए। ये दूसरा कोई कारण नहीं है। एक निवेदन करूंगा, आपने कहा ना जिम्मेदारी कुटुंब, राज साहब एक बड़ी बात कहना चाहता हूं, ये अजय राज जी के माध्यम से मेरे पास आई, मैं बता दूं आपको, आपने कहा ना कुटुंब से सीखने की बात आई, अब वो बच्चा स्कूल में कॉलेज में जा गया, वहां भी तो दोस्तों का उनके साथ बैठने का व्यवहार वगैरह सीखता है कि नहीं सीखता, स्कूल में कॉलेज में? सर मुझे ये बताइए, भारतीय सनातन संस्कृति की बात आ रही है ना, मैं बताऊं आपको, कह रहे हो हमारी मैकेलो संस्कृति हमारे पे थोप दी गई, ए फॉर बोलिए ना कोई जानते हो, ए फॉर एप्पल, बहुत अच्छा शब्द है ए फॉर एप्पल, और जेड फॉर जेब्रा या जीरो, अब ध्यान से सुनना आपको उत्तर देना है, नहीं मुकेश जी की पूरी बात, ये डिबेट है, मैं बताऊं आपको, ये धारा प्रवाह बोलेंगे, मैंने राज साहब को भी टोका, अब मैं उनसे यही पूछ रहा हूं सर, मैं बताऊं राम सिंह जी, कि ए फॉर एप्पल जेड फॉर जीरो हुआ ये क्या हमारे जीवन में साहब, ए फॉर एप्पल जेड फॉर जीरो की जो एबीसीडी है वो हमारे जीवन में कल्चर में उतार दी हमने, जबकि हमारी संस्कृति क्या है, अ यानी अनपढ़,
ज्ञा यानी ज्ञानी, जो हमें अनपढ़ से ज्ञानी बनाए वो हमारी संस्कृति है साहब। हम भूल गए हमारी नकल और संस्कृति के आधार पे हम भूल गए कि हम कौन है क्या है। गुरुकुल पद्धति में ही हुआ करती थी, तभी तो कहा सर मेरे माँ बाप अभी भी चिंता करते, चाहे बेटा हो या बेटी हो, गाल में कॉलेज से सुखी शांति से आ जाए तब उनके जी में जी आता है। ये नकल और संस्कृति का प्रभाव है सर। तो इस संस्कृति को वापस अपनाने के लिए आपने कहा संस्कारों की भूमिका रखने के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा। आप बुद्धिजीवी हैं, आप प्रखर वक्ता भी हैं, इसलिए इस विषय पर बात करें आप। मैं अभी वापस हम गुरुकुल तो नहीं खोल सकते, वो कहाँ खुलेंगे, संभव ही नहीं है, कैसे करेंगे वापस अभी गुरुकुल में शिक्षा के साथ में गुरुकुल तो संभव नहीं है। यदि संस्कार जहां से आने वाले हैं वो संस्कार कुटुंब से आएंगे, और आएंगे कैसे, हमारे पारिवारिक माहौल से आएंगे, और उसके लिए कुछ नहीं करना है। पांच भव दिए हुए हमारे ऋषि मुनियों ने भी दिए, भोजन भूषा भ्रमण और भोजन भूषा भ्रमण भजन, ये जो है हम परिवार के साथ में एकत्रित होकर भजन करते हैं क्या, नहीं करते हैं। क्या हम हमारे परिवार में हमारी मातृभाषा में बात करते हैं क्या, भाषा भी एक है उसमें, नहीं करते। भूषा हम क्या अभी भी हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति के हिसाब से हमारा रहन सहन है, हम लोग आज भी वो पहनावे में, यहाँ पे चलो यहाँ पे शहर है, गांव जाते समय यदि वो वेशभूषा में रहते कि नहीं रहते। और भ्रमण, क्या हम हमारे परिवार के साथ वर्ष में एक बार किसी ऐसे हमारे इस देश के कोई भी स्थान पे जहां का उसका ऐतिहासिक महत्व हो वहां जाते हैं क्या। और भोजन भूषा भाषा भ्रमण, ये सारे विषय जो है, इन विषयों का यदि हम संकलित करेंगे तो संस्कारों की उत्पत्ति आज भी होती है और हो रही। मेरा नाम सीए नरेश राजपुरोहित, मुझे मालूम है इसलिए तो मैंने बोला। मैं ठाकुरवास का रहने वाला हूं और 30 वर्षों से मुंबई में सीए का प्रैक्टिस कर रहा हूं। मेरे को आपने बुलाया उसके सब लिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और न मैं भाषण दे रहा हूं, मैं आपकी विषय पे सटीकता से और सारगर्भित दो तीन बातें बोलना चाहूँगा। स्वागत है। ठीक है, मैं पहले तो नारी शक्ति की बात हुई है, नारी शक्ति है अपने आप में, ये हम लोग चिक चिक के चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। नारी की विशेषता क्या है, नारी अग्रिय क्यों है, एक बात बोलना चाहता हूँ। बेटियों पे बहुत बात हुई है, हर पिताजी के लिए बेटी राजकुमारी है, हर पिताजी अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह से रखना चाहता है और राजकुमारी की तरह से ट्रीट करता है, भले उसकी पत्नी महारानी नहीं है, क्योंकि वो पत्नी को महारानी के हिसाब से ट्रीट नहीं करता है, बट अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह ट्रीट करता है। अब हम लोग अगर बात करें तो नारी हमारे से कौन से फील्ड में आगे है, कैसे वो शक्तिशाली है, दर्द सहने में शक्तिशाली है नारी, रंग की पहचान करने में है शक्तिशाली नारी, और नारी अपने आप को मनोस्थिति में अगर सक्षम है तो नारी है, नारी की मनोस्थिति से नर को सहायता मिलती है। सहायता का मतलब ये हुआ कि जब आदमी का काम बिगड़ जाता है तब नारी आके बोलती है कि चिंता मत करो, नया दिन आएगा, नए सवेरे में हम नए काम करेंगे। इसके लिए नारी शक्ति का व्याख्यान करने के लिए मेरे पास में शक्ति नहीं है कि मैं नारी शक्ति का व्याख्यान कर सकता हूँ। हमेशा एक और दो तीन बातें मैं बोलना चाहूँगा, जब हम परिवार समाज और शक्ति की बात करते हैं तो आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक आदमी थकता कैसे, एक आदमी पीछे कैसे रहता है, एक आदमी की कमियाँ कैसे रहती है, एक आदमी की कमियाँ उसके इसके लिए रहती है कि उसका परिवार उसकी घर उसके साथ में नहीं होता है, तब आदमी थक जाता है। दुनिया से झगड़ सकता है बट घर से नहीं झगड़ सकता है, इसके लिए नारी घर के लिए महत्वपूर्ण है। नारी के लिए नहीं, मेरे भाइयों के लिए भी बोलना चाहता हूँ, जिस स्टेज पे आपने मुझे बिठाया है और मुझे बोला है कि आप नारी और नर के लिए कुछ बोलिए, तो मैं आपको बोलना ये चाहता हूँ जो सबके काम के लिए, नारियों के लिए और ज़्यादा, तीन शब्द है, आत्मा मन और शरीर। आत्मानंद जी का शब्द है आत्मा,
फिर आता है मन, फिर आता है शरीर। मन का है बीच में है, मन अगर शरीर की तरफ में जाता है तो हम संसारी हो जाते हैं। हमारा मन संसार की तरफ जाता है, जब संसारी बन के हमारी प्रवृत्ति बनती है, हमारी विचारधारा बनती है। यही मन अगर हम आत्मा की तरफ जाए तो सन्यासी बन जाते हैं। सन्यासियों की बात करते हैं, परोपकारी की बात करते हैं। तो हमारा मन है, वो मन बहुत इम्पोर्टेंट है। मन से मानसिकता बनती है। अगर आपका मन की मानसिकता ऐसी बनी है, आप लोभी बनेंगे, आप काम चोर बनेंगे, या दूसरी तरफ आप परोपकारी बनेंगे, दूसरों की सेवा करेंगे, आपकी मनोस्थिति अच्छी होगी, आप अच्छे मनोस्थिति में किसी का अच्छा काम करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मन है, जो मन आपको संसारिक बनाता है और मन आपको सन्यासी बनाता है। हमारे इस प्रोग्राम में किसकी व्याख्या कर रहे हैं हम? एक सन्यासी की व्याख्या कर रहे हैं, एक परोपकारी की व्याख्या करते हैं और एक मन की व्याख्या करते हैं। अब लास्ट बात मेरी एक और बोलने, अगर आदमी, अगर जो नारी शक्ति है मन से बहुत शक्तिशाली है और उनका प्रभाव पूरे परिवार पे पड़ता है, बच्चों पे पड़ता है, वो मन की शक्तिशाली है, जिनकी मनोस्थिति अच्छी होती है उनका अच्छा विकास होता है। हमेशा हमारी सोच और मनोस्थिति, सोच और मनोस्थिति याद रखिए, ये दो चीज़ें बहुत करिए। अगर आपकी सोच अच्छी है, आपकी सोच काम करने वाली है, आपको कोई रोक नहीं सकता, चाहे मेट्रो हो, चाहे मुंबई हो, या कोई दुनिया का कोई जगह हो, आपको अपनी जगह खुद को बनानी पड़ती है। अपनी जगह बनाने के लिए उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और आज मैं लास्ट ये बोलना चाहता हूँ आप सबके लिए कि आपको अपनी खुद की मदद करनी है। आप अपनी खुद की मदद करोगे आगे जाओगे। इसके लिए आप अपनी खुद की मदद करो, आप अपने समाज की मदद करो, आप अपने देश की मदद करो। धन्यवाद। जबरदस्त तरीके से आपने मोटिवेशन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ आने वाले कालखंड में आप लोग सामने बैठेंगे, माताएं बहनें इधर बैठेगी, फिर डिबेट का मजा आएगा। बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया। सच का एक बात है, मन के हारे हारे और मन के जीते जीत, उन्होंने यही बात लास्ट में कह दी। आपका मन मजबूत है। मैं ये चीजें इसके लिए बोल रहा हूँ कि अगर आपका मन, आपकी मनोस्थिति अगर सक्षम है, आप पहाड़ तोड़ सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपने अपने मन को स्ट्रांग बनाया तो आपका पीछे रहने का कोई सवाल ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार कतुल धनी से अभिनंदन किया। इन्होंने फिर बोल करके एक लाइन दे दी मुझे, आपने मान लिया तो हार है और आपने ठान लिया तो जीत है, यही कहना चाहते हैं आप। बहुत आत्मानंद जी बाजी ने 12 हॉस्टल बनाए, छात्रावास, लोगों ने कहा विद्या के मंदिर, ऐसे ही बोलते वो, ठीक है, लोग कहते हैं। स्कूल कॉलेज में 6 से 4 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 3-4 घंटे स्कूल में रहते हैं, बाकी विद्यार्थियों का होता है छात्रावास में होता है ना, निश्चित रूप से वो मंदिर है छात्रावास के। आत्मानंद जी महाराज की आज आत्मा संतोष इसीलिए है कि आज जयपुर में राजपूत समाज का छात्रावास बन करके तैयार हुआ और समृद्धि फाउंडेशन की वजह से बन करके तैयार हुआ, उनके सहयोग से बहुत सारे लोग आए उसमें। तो आत्मानंद जी बाबू जी का आज युग पुरुष शिक्षा साथी का इतना बड़ा भव्य समारोह के कार्यक्रम में, सब ये बताइए आज उनकी आत्मा, बस इस समझ गए। मेरा परिचय, दिलीप पनाराम जी सेपाओ, सिरोही जिले में बटाना गांव से हूँ, मलाड में इन्विटेशन ज्वेलरी का व्यवसाय। सर्वप्रथम मैं शुभ समय न्यूज चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आपने समाज में शिक्षा की ज्योत जगाने वाले स्वामी श्री आत्मानंद जी महाराज का जन्म शताब्दी महोत्सव का यह दिव्य आयोजन किया और जो आपने चांदी के सिक्के का जो विमोचन किया उसके लिए आगे बढ़े आपका यह मिशन, उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे बीच में जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है, श्री आदरणीय राजके साहब अजय राज जी, जिन्होंने जीवन की पाठशाला में बहुत कुछ सीखा है और उनके अनुभव से हम भी कहीं ना कहीं सीखते हैं और बोलते हैं। आज एक छोटी सी बात है, साहब ने कहा कि राजपुरोहित समृद्धि फाउंडेशन ने जयपुर में
राजपुरोहित ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया। आज से हम 25 साल पीछे जाते हैं, जब समाज सक्षम नहीं था, जब समाज का 90% वर्ग नौकरी करता था। उस समय हमारे समाज में एक महान विभूति के रूप में स्वामी श्री आत्मानंद जी महाराज ने समाज की शिक्षा के लिए, जो अपनी शिक्षा 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 की बात कर रहे हैं, नारी शिक्षा की बात कर रहे हैं, उसी विषय पे आता हूं कि आज से 25 साल तो हो गए उन्होंने काम छोड़े। उसे मैं 50 साल पहले, आज से 50 साल पहले बसों का तो जन्म भी नहीं था, मेरा भी जन्म नहीं था। आज से 50 साल पहले जिस महापुरुष के दिमाग में एक सोच पैदा हुई कि राजपुरे समाज शिक्षित होना चाहिए, और एक नहीं दो नहीं, हम एक कौशल की बात कर रहे हैं, हमने एक बना के दे दिया, एक नहीं दो नहीं राजपुरे समाज को 12-12 हॉस्टल दे दिए। राजपुरे समाज की बेटियों की आज हम बात कर रहे हैं, और आत्मानंद जी महाराज जी के स्वर्गवास होने के बाद में आज तक राजपुरे समाज ने बेटियों के लिए कुछ नहीं किया है। समाज में क्रांति जी, मैं निवेदन ये करूंगा, मैं समझ रहा हूँ आपकी व्यथा और वाणी को। आज जो जिस विषय पे चल रहे हैं ना, मैं बताऊँ बहुत सारी चीजें, उसी विषय पे आ रहा हूँ। इस विषय पे आइए, उसी विषय पे आ रहा हूँ कि आपने शिक्षा की बात की, शिक्षा की बात की। मैं राज साहब आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि लास्ट 2-3 साल से समृद्धि फाउंडेशन से जुड़ा, समाज की बहुत सारी बेटियों से भी मिलना हुआ, अधिकारियों से भी मिलना हुआ। सर के जहाँ जयपुर, सिरोही, जालोर, जहाँ राजपुरे समाज का बाहुल्य, वो एक भी जिला हेडक्वार्टर ऐसा नहीं है जहाँ हॉस्टल नहीं है, और हर हॉस्टल में 150-200 समाज के विद्यार्थी सुविधाओं के साथ में तैयारी करते हैं। और समाज की बेटियों के लिए पूरे राजस्थान के अंदर कहीं पर भी एक भी रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी वो भी अपने संघर्ष के साथ में आगे बढ़ रही है। और उसका रेशियो देखिए जाए तो 1000 में से अभी 50 बच्चे पास होते हैं, तो 200 में से 50 लड़कियां भी पास हो रही है, जबकि संसाधनों के अभाव में संसाधन नहीं है उनके पास में। राजपुर संबोधी फाउंडेशन, लास्ट में क्रांति जी आपकी बात पे आता हूँ कि समाज की बहन बेटियों को नंदा आंटी नेहल दी ये सब बैठे हैं, आवाज उठाई कि आप समृद्धि फाउंडेशन इतना बढ़िया काम कर रहा है, तो हमारी बेटियों के लिए क्यों कोई कुछ पहल नहीं कर रहे। तो इसके लिए मैं आप सभी को बता दूं कि राजपुरोहित ग्लोबल सेंटर एक्सीलेंस का निर्माण हो गया है, और समाज की बेटियों के लिए समाज का शायद मेरे हिसाब से पहला प्रथम प्रयास है कि राजपुरोहित समृद्धि फाउंडेशन द्वारा जयपुर में एक रेंट की बिल्डिंग में राजपुरोहित गर्ल्स हॉस्टल का भी शुरुआत की गई है, जिसमें वो कॉम्पिटिशन की एग्जाम की तैयारियां कर रही है। और प्रयास है सरकार से, लास्ट टाइम राज साहब थे, राज साहब और समाज बंधु ने भजनलाल जी से निवेदन भी किया था कि हमारे जयपुर में कोई जगह उपलब्ध कराए जहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण कर सके, और गुरुदेव आत्मानंद जी महाराज की इच्छा रही तो जयपुर में भी जल्दी हम राजपुरे समाज की बेटियों के लिए भी एक्सीलेंस सेंटर बनाएंगे। आज का कार्यक्रम समाज की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, समाज के हित के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम है। और आप जो आए और इतनी देर बैठे, और मेरी बहनें और बेटियां यहाँ बैठी, मैं ये सोचता हूँ आज का यह मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाएगा, क्रांति के माध्यम से तो जाएगा। और इतनी बार समय देने के लिए मैं सच बोलता हूँ, मेरी तो वाट लगने वाली है। आपका अभिनंदन। और मैं यहाँ ठीक हूँ, मेरी बात सुनो, मैंने संकल्प लिया है, हाँ ठीक है, बाकी मैंने संकल्प लिया है कि समाज के किसी मंच से मैं मान सम्मान या शॉल या नहीं लूंगा तब तक मेरी विचारधारा संपूर्ण सामाजिक क्रांति नहीं हो, इसके लिए मैं कार्य करता रहूंगा। अब ग्रुप फोटो के लिए मैं आ गया हूँ, सब आगे, हाँ हाँ हाँ, फिर ग्रुप फोटो लीजिए। और मैं बहन जो आपने पुरस्कार जीता, आप पधारी है, राज जी के हाथों आपको चांदी का सिक्का प्रदान हो रहा है, श्री हाँ आप उनको दीजिए। और सीमा राजपुरोहित, सीमा जी कांग्रेचुलेशन, तालियां बजाओ जी, ये शुरुआत है। और दूसरे कौन से थे, धीरज जी आइए, आप धीरज जी आइए, आप ये धीरज जी के लिए
दिलीप जी ने भी आप बहुत अच्छे तरीके से सवालों के जवाब पब्लिक के माध्यम से रुकटी खा खान दीदा पन दीदा क्लियर चलो हाँ और तीसरे कौन थे हाँ और ये दिलीप जी के लिए ऐसे ये दिलीप जी के लिए कि इन्होंने जो है हमारा सौभाग्य है कि इस मंच से ऐसा कार्यक्रम हुआ और अच्छा भी लगा और इस कार्यक्रम का समापन नहीं होता है नहीं होगा स्थगन बोला जाए जीवन में हमेशा ताकि आगे लगातार कंटिन्यू कर सके जो मार पड़े रही है नहीं बहुत बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ बिशन सिंह जी ने पहल की है मेरे ख्याल से आगे भी हम जोरदार जोरदार अगर आपको लगा तो जोरदार तालियों से बिशन सिंह जी का स्वागत कर रहे हैं और संस्कार संस्कार की बात करें तो मैं दो बात दो मिनट में बात करके अपनी बात खत्म करता हूँ कि संस्कार क्या होता है सर डिफाइन कर रहे थे मैं आपको दो कथाओं के माध्यम से बताता हूँ कि एक घर में रोटी के चार टुकड़े संस्कार जिंदा होते तब क्या होता है एक घर में रोटी के चार टुकड़े और खाने वाले पांच लोग हो और सबसे पहले माँ कह दे कि आज मुझे भूख नहीं है तो वो संस्कार जिंदा है एक विधवा माँ उसके दो बेटे जब संस्कार मर जाते हैं तब मैं बताता हूँ एक विधवा माँ उसके दो बेटे एक नीचे के मजले पर रहता है एक ऊपर के मजले पर रहता है 15 दिन माँ नीचे के माल नीचे जो मजले पर बेटा रहता है उसके पास खाना खाती है 15 दिन ऊपर वाले बेटे के साथ घर पे खाना खाती है लेकिन विडंबना तब होती है जब महीना 31 का होता है और उस माँ को भूखा रहना पड़ता है तब संस्कार मर जाते हैं तब ये होता है इस तरह की बातें एक बार राज साहब ने बहुत समय दिया आज राज साहब के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए बहुत बहुत समय दिया उन्होंने सर और सब सुंदर कार्य